हेलो क्लास टेन के मेरी बैच में पढ़ने वाले मेरी बैच जिसका नाम है पाइथस उसमें पढ़ने वाले सारे बच्चों का स्वागत है दिल से स्वागत है चैप्टर एट शुरू होने वाला है आज जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज मतलब सोशल साइंस गुजरात बोर्ड क्लास टेन जो आठवां चैप्टर है जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट दैट इट इज वेरी इजी एंड शॉर्ट चैप्टर मोस्टली इसमें से तीन मार्क का बोर्ड में पूछा जाता है यदि कोई रीजन से यदि पेपर सेल में चेंज होता है जैसे लास्ट आ, मतलब 2021 में जो हुआ था तो उसमें चेंजेस के हिसाब से इसके मार्क थोड़े बढ़ जाते हैं पर मोस्टली तीन मार्क का क्वेश्चन इसमें से आता है वो भी तीन मार्क का एक क्वेश्चन आता है सिर्फ एक क्वेश्चन पर उसमें चेंजेस ये भी हो सकता है कि एक एक मार्क के तीन भी आ सकते हैं या तीन मार्क का एक क्वेश्चन ही आ सकता है सो वी हैव टू फोकस ऑन बोथ द थिंग्स तीन तीन एक एक मार्क के तीन भी तैयार करने पड़ेंगे और एक मार्क का एक क्वेश्चन जिसे जो हमें तीन मार्क दिला सके वो भी हमें तैयार करना रहेगा सो अकॉर्डिंग टू बोथ द थिंग्स वी विल स्टडी द चैप्टर ओके सो यू आर लर्निंग विद मी हर्ष बार से और सोशल साइंस में बात यह है कि टेक्स्ट बुक में जिस तरह से चैप्टर दिया है उससे मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ पॉइंट्स कर दिए है और मैं आपको यहाँ समझाऊंगा पॉइंट्स के हिसाब से सो दैट यू कैन रिकोग्नाइज इट यू कैन अंडरस्टैंड इट एंड यू कैन रिमेंबर इट वेरी इजिली सो नेचुरल रिसोर्सेज सबसे पहले समझ लेते हैं रिसोर्सेज क्या है लाइफ हम हम जो जिंदा है अभी जिंदा रहने के लिए जो जो चीज़ हमारे काम में आती है वो चीज़ मोस्टली नेचर से आती है ठीक है नेचर में तो कई सारी चीज़ें है पर हमारे जीने के लिए जो काम में आए नेचर से आई हुई चीज़ हम यूटिलाइज उसे कर सकें वही हमारे लिए रिसोर्स है बाकी कोई रिसोर्स नहीं है

बट वी कैन नॉट कॉल इट ऑल ऑफ रिसोर्स हम सबको थोड़ी ना रिसोर्स कहते हैं तो सब रिसोर्स कहते किसे है वो तो बता दो देखो यहाँ पे लिखा है ये रिसोर्स ये आपको जो डिफाइन करना होता है ना एक एक मार्क का उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन रिसोर्सेज तो नेचर के पास तो कई सारे चीजें हैं हम सबको थोड़ी ना रिसोर्स कहेंगे तो फिर व्हाट इज कॉल्ड रिसोर्स तो यहां पे लिखा है एलिमेंट्स कैन बी भी कुल उस एलिमेंट्स को उन सारे तत्वों को उन सारी चीजों को रिसोर्स कहेंगे व्हेन दीस आर यूटिलाइज्ड बाय मैन जिसे हम यूज करें थ्रू आवर स्पेशल नॉलेज एंड हमारे हमारे एक्सपर्टाइज से हम जैसे कि नेचर में विट जैसे प्लांट में विट आते हैं ठीक है अब विट का यदि हम इस्तेमाल नहीं कर सकते देन तो विट इज नॉट रिसोर्स एज अ फूड फॉर अस ठीक है पर हम विट को हार्वेस्ट करते हैं फिर उसे ग्राइंड करता है फिर उसे मतलब उसका उसकी रोटी बनाते हैं खाते हैं, तो हमारी स्किल हमारे नॉलेज से हम वेट को रोटी में तब्दील कर सकते हैं देन वीट इज रिसोर्स फॉर अस, पर जैसे कि आज से 200 साल पहले की या फिर 500, सौ सात हजार साल पहले की बात कर ले तो पी भी पेट्रोलियम अंडरग्राउंड था ही पर हम उसे बाहर निकालना नहीं जानते थे उसको कैसे रिफाइन करना है वो भी हम नहीं जानते थे उस गाड़ी में कैसे डाल के उसे शुरू करना है इंजिन बनाना है वो हम नहीं जानते थे तो उस समय पर पे पे पेट्रोलियम हमारे पास रिसोर्स नहीं था इसलिए घोड़ा गाड़ी के ऊपर बैठ के जाना पड़ता था ये वो सब अलग अलग व्हीकल्स थे नेचुरल एनिमल्स व्हीकल्स हुआ करते थे हमारे तो आज हम पेट्रोलियम को रिफाइन करके गाड़ी में डाल के 100, 200 जैसी गाड़ी जैसा रोड जैसा देश भगा सकते देश अब हमारा बन गया। मतलब उस एलिमेंट्स को हम तभी पाएंगे तो एक मार्क के लिए आ सकता है डिफाइन करो रिसोर्स तो अदर वर्ड्स दूसरे वर्ड्स में यदि हम कहेंगे तो ये होगा कि इन अदर वर्ड्स द थिंग्स ऑन विच मैन इज डिपेंडेंट रिसोर्स की तीन तीन पॉइंट याद रख लेना तीन फैक्टर्स वो चीज जिसके ऊपर इंसान डिपेंडेंट है दूसरा ह्यूमन नीड्स कैन भी फुलफिल और ह्यूमन नीड्स उसी रिसोर्स से फुलफिल होती है तीसरी मैन एज दिस फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी दो हम फिजिकली और मेंटली दोनों कैपेसिटी से हम उस रिसोर्स को यदि यूज कर पाते हैं दाम जाके उसे हम रिसोर्स करें जिसके ऊपर हम डिपेंडेंट हैं जिससे हमारी सारी जरूरत पूरी होती है और हमारी फिजिकल इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी उसे यूज करने में हम काम लगाते हैं तब जाके बंदे रिसोर्स बनता है बाकी ना 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 इन दिस वे इज़ टू फुलफिल नीड अ रिसोर्स कोई भी चीज जो इंसान की जरूरत पूरी कर सके वो सारी चीज रिसोर्स बन गई बेटा हाँ, हाँ जो देखो मैंने अभी बताया पेट्रोलियम का आपको एग्जांपल वही बात आ गई देखो इन एंशियंट टाइम्स मैन डिड नॉट नो अबाउट द मिनरल्स जो मिनरल्स ब्रीड मतलब जमीन में Hey, नीचे अंडरग्राउंड है मिनरल्स पेट्रोलियम वगैरह वो पुराने समय में लोग नहीं जानते थे That's why उस समय पे वो नहीं था आज हम उसे यूज कर सकते हैं उसे बाहर निकाल सकते हैं रिफाइन कर सकते हैं और हमारे काम में ले सकते हैं so, सो आज हमारे पास वो रिसोर्स है नेचुरल रिसोर्स बोथ द वर्च्यूज एंड यूटिलिटी एंड कैपेबिलिटी टू वर्क फिर देखो नाइन पॉइंट एक मार्ग के लिए ये भी आ सकता है द आर मेड ऑफ ऑफ थ्री इंटरेक्शन दिस थ्री तीन चीजों का जब इंटरेक्शन होता है तब जाके रिसोर्सेज बनता है कौन कौन सी तीन चीजों का इंटरेक्शन से रिसोर्स बनता है कौन कौन सी वो तीन चीजें हैं एक मार्क के लिए आ सकता है डिफाइन करने के लिए सो नेचर मैन एंड कल्चर ट्रू फॉल्स वगैरह में आ सकते हैं आपकी स्कूल्स की की वगैरह एग्जाम्स में तो ए नेचर मैन के साथ इंटरेक्शन करता है मैन कल्चर से इंटरेक्शन रखता है तीनों का इंटरेक्शन होता है तब जाके रिसोर्स बनते हैं क्योंकि अलग अलग कल्चर में अलग अलग लोगों की अलग अलग रिसोर्स जरूरत पूरी करता है अमेरिकन लोगों के लिए कुछ रिसोर्स होते हैं तो इंडियन लोगों के लिए शायद नहीं भी हो सकते अब देखो यूजेस ऑफ रिसोर्सेज रिसोर्सेज के यूज कैसे हैं रिसोर्सेज आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेस कई ऐसे रास्ते कई ऐसे तरीके जिससे रिसोर्सिस हमारे काम में आते हैं अबाउट दिस रोल इन द स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑल एक्टिविटीज फॉर मेरी एग्रीकल्चर से लेकर देखो याद रखना एग्रीकल्चर से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज अल्टीमेटली मतलब फाइनली किसके ऊपर डिपेंड करती है नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर बड़ी से भी बड़ी इंडस्ट्रीज है जैसे कि यहाँ पे आप ये डिजिटल बोर्ड देख रहे हो लोहे का या फिर अलग अलग चीजों का बना हुआ है तो वो सारी चीजें अल्टीमेटली आती कहां से है माइनिंग या वगैरह से मिनरल्स जो भी मिलते हैं होगा लोहा वगैरह मिलता होगा वहां से आती है सो एवरीथिंग एग्रीकल्चर यदि आपको करना है तो डेफिनेटली आप नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर ही डिपेंडेंट होंगे पर इंडस्ट्रीज भी अल्टीमेटली आखिरकार नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर ही डिपेंड होती है अब यहाँ पे आपको एक तीन मार्क का सवाल ये भी आ सकता है कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज मतलब यूजेस ऑफ यूर रिसोर्सेज रिसोर्सिस कौन कौन से यूज है उसमें से पहला यूज देखो ये सवाल है यूजेस ऑफ रिसोर्सेज रिसोर्सेज के कौन कौन से यूज है उसमें से पहला यूज है रिसोर्स एज ए फूड रिसोर्स जो हमें खाने के लिए काम में आता है तीन resources के तीन यूज यहां पे बताए गए उसमें से पहला यूज है रिसोर्स एज ए फूड वेरियस फूड रिक्वायरमेंट ऑफ मैन इंसान की कई तरह की फूड की रिक्वायरमेंट खाने की रिक्वायरमेंट जो है वो अलग अलग रिसोर्स से आती है उसे कहते हैं रिसोर्स एज ए फूड देखिए एग्जाम्पल्स भी उन लोगों ने यहां पे दे रखे हैं फ्रूट्स नेचुरली ग्रो होते हैं कोई कंपनी फ्रूट्स तो बनाती नहीं है कि ये अदानी के एप्पल है ये टाटा के पाइन एपल्स है मुझे टाटा टाटा के पाइन एपल्स बहुत ही पसंद है क्योंकि उसमें चॉकलेट का टेस्ट आता है नहीं ऐसा तो कुछ होता नहीं है फिर इस क्रॉप्स ऑफ टेन एग्रीकल्चर कई सारे क्रॉप्स आते हैं वीट से लेकर बाजरा से लेकर कई सारे मक्के कई सारी चीजें आती है मिल्क एंड प्रोडक्ट्स मिल्क और उसकी प्रोडक्ट्स जो है फिर मीट वो कहाँ से आते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स से जैसे गाय भैंस वगैरह जो है काउ बफेल वगैरह उससे हमें मिल्क भी मिलता है और मिल्क की प्रोडक्ट्स जो मिल्क से मिलती है फिर मीट भी वहीं से मिलता है सो so, ये भी नेचुरली हुई बात क्योंकि कोई एनिमल्स तो कोई कंपनी बनाती नहीं है बनाती है कोई कंपनी एनिमल्स नहीं बनाती है कोई रिलायंस का बकरा आता है ज़ोरदार अवा की जगह वो कुछ और ही आवाज़ निकालता है नहीं सो so, वो भी नेचुरल फिश और अदर एक्वेटिक एनिमल्स फ्रॉम रिजर्वर्स तालाब से मछली वगैरह जो खाते होंगे जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उसके लिए वो भी एक नेचुरल रिसोर्सेज भी हो गया हनी 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 मतलब कोई लड़की का नाम नहीं आनी, है आनी, आनी, आनी हनी है है हनी 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 प्रिपेयर्ड बाय बीस वो भी नेचुरली बनाती है ये कुछ ऐसे है एग्जांपल्स हैं जो रिसोर्सेज फूड हमें सप्लाई करता है नेचर ठीक है सो फर्स्ट यूजेस ऑफ रिसोर्स में फर्स्ट हो गया रिसोर्स एज ए फूड अब दूसरे पॉइंट में हम जाते हैं रिसोर्स एज ए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल मतलब कोई भी चीज यदि आपको बनानी है तो बनाने के लिए पहले तो रॉ मटेरियल चाहिए कुछ जो चीजें चाहिए ठीक है वो रॉ मटेरियल भी नेचर से आता है देख लो भैया द बिलो गिविंग थिंग्स फ्रॉम द फ्रॉम द रॉ मटेरियल फॉर मेनी इंडस्ट्रीज देखो गुड्स फ्रॉम द फॉरेस्ट फॉरेस्ट से ऐसी कई सारी चीजें मिलती है जो एज ए रो मटेरियल सप्लाई होती है इंडस्ट्रीज में और इंडस्ट्री उससे फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाती है जैसे कि वुड है वुड जंगल से मिलता है तो वुड की कई सारी प्रोडक्ट कई सारी इंडस्ट्रीज बनाती है फर्नीचर से लेकर कुछ भी ठीक है एग्रो प्रोडक्ट्स वूल फिर हाइट्स का मतलब होता है स्किन्स मीट अवेलेबल फ्रॉम एनिमल्स ये सारी चीजें मीट अवेलेबल फ्रॉम एनिमल्स हाइड अवेलेबल फ्रॉम एनिमल्स वूल वो भी एनिमल से हमें मिलता है शीप से, फिर गोट से जो भी वूल मिलता है हमें एग्रो प्रोडक्ट्स जो हमें खेती से मिलती है ये सारी चीजें इंडस्ट्रीज में जाती है जैसे कि आप बिस्किट्स खाते हो तो बिस्किट्स में एग्री एग्रो प्रोडक्ट्स क्या होती है उसमें विट विट सप्लाई होता है इंडस्ट्रीज में एज ए रू मटेरियल फिर उससे बिस्किट प्रिपेयर होते हैं हो और हम बिस्किट खाते हैं बिस्किट कोई खेत में नहीं उगते हैं कि इसके खेत में ना बड़े जोरदार तक बिस्किट उगाते हैं इसके पापा नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है सो मिनरल ओर्स मिनरल ओर्स मतलब जैसे कि लोहे की कोई भी चीज बनती है ठीक है आपकी खिड़की है लोहे की है तो यहाँ पे मेरी खिड़की भी लोहे की है तो ये जो लोहा है खिड़की माइनिंग से सीधी निकलती नहीं है वहाँ पे आयन और मिलता है फिर उसे प्योर किया जाता है रिफाइन किया जाता है फिर उसे अलग अलग शेवस में डाला जाता है फिर अलग अलग लोहा बनाया जाता है सो एज ए रॉ मटेरियल हो गया इंडस्ट्रीज का ठीक है हाँ, अब है लास्ट में रिसोर्सिस एज ए एनर्जी रिसोर्सिस एनर्जी रिसोर्सिस में देख लो क्या बात आ गई वी यूज कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस ये जो है वो इंडस्ट्रीज एक मिनट ओके वी यूज कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस एक्सेट्रा एज फ्यूल इन इंडस्ट्रीज एज वेल एज डोमेस्टिक यूज तो ये एनर्जी रिसोर्स जिस रिसोर्स से एनर्जी मिलती है मतलब रेड बुल की बात नहीं है कि एक लीटर पेट्रोल पी लिया और बंदा भागा भागा इतना भागा सेवेंटी किलोमीटर तक भागा फिर वहां जाके गिर गया क्योंकि उतनी एवरेज देता था वो नहीं ऐसी बात नहीं है सो so कोल जो है पेट्रोलियम जो है नेचुरल गैसेस जो है वो इंडस्ट्रीज में और डोमेस्टिक हम घर में इससे एज एनर्जी रिसोर्स यूज करते हैं जैसे हमारे घर एलपीजी की जो बोतल होती है या फिर डायरेक्ट लाइन होती है वो नेचुरल गैस है पेट्रोलियम जो हम कार में वगैरह में यूज करते हैं कोल का जो इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज होता है सो एज एनर्जी रिसोर्स एज एनर्जी इसका यूज हुआ उसके बाद एनर्जी कैन बी जनरेटेड थ्रू एनर्जी और भी एक तरीके से जनरेट होती है सिर्फ कोल पेट्रोलियम और नेचुरल गैस शुरू नहीं होती है भाई तो क्या होता है एनर्जी कैन बी जनरेटेड थ्रू सोलर सोलार के जो लगाए जाते हैं और उस पैनल से एनर्जी जनरेट होती है विंड जो विंड पैनल जो होते विंड मिल्स जो होती है उसमें से एनर्जी जनरेट करते वेव समुद्र के वेवस में वहां नीचे टर्बाइन लगा के एनर्जी जनरेट करते हैं टाइग्स एंड एप्स एंड वाटरफॉल्स टाइग्स एंड एप्स की वजह uh, से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है टर्बाइंस कैसे लगाते हैं जैसे कि टाइप्स है टाइप्स का एप्स uh, एप्स का मतलब क्या होता है कि जब डार्क uh, नाइट हो जाती है ठीक है तो पानी ना एकदम uh, समुंदर में अंदर तक चला जाता है अंदर तक चला जाता है उससे पहले जब पानी समुद्र के किनारे तक होता है तब वहां पे समुंदर के नजदीक गेट्स लगा दिए जाते हैं इसे ठीक है तो पानी जैसे ही रिसिड होना शुरू हो जाता है मतलब एप्स एप्स रिसिड मतलब पानी समुद्र में जाना शुरू हो जाता है ठीक है तो जैसे पानी समुद्र में जाना शुरू हो जाता है तो वो गेट्स बंद कर दिए जाते हैं ताकि पानी वहीं रुक जाए और बाकी का पानी समुद्र में अंदर तक चला जाएगा और कुछ घंटे ऐसे ही पानी को रोक दिया जाएगा फिर उस पानी को छोड़ा जाएगा ताकि पानी एकदम फ्लो से बहना शुरू होगा और टर्बाइन घूमेगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वाटरफॉल्स है तो हम जानते हैं टर्बाइन को घुमाते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो ये सारे एनर्जी ऐसे रिसोर्स इस तरह से एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है देखो रिसोर्स एज ए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल तीन तरह के हमने यूजेज ऑफ रिसोर्स देख लिए तीन तरह के यूज ये पूछा जा सकता है एज ए फूड हमने देख लिया कि फूड जैसे नेचुरली कहाँ कहाँ से आता है फिर ऐसे रो मटेरियल रो मटेरियल बनाने के लिए चीजें कहां, कहां से नेचुरली आती है फिर एनर्जी रिसोर्स तो नेचुरली पेट्रोल गैस वगैरह कहां से आता है और इस सब नेचुरल वैसे किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है अब है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज रिसोर्सेज के टाइप्स हमें पढ़ना है देख लो रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड एज फॉलोस तीन तरह के टाइप्स यहाँ पे बनाए गए ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप फर्स्ट कि ओनर कौन है रिसोर्स का वो तो बता दो भैया हाँ नहीं पता है हमें हाँ कैसे पता होगा तो ओनरशिप के हिसाब से फर्स्ट क्लासिफिकेशन फर्स्ट करा गया दूसरा है कि resource जो है जो जो वो एक बार खत्म हो गया मैंने जाकर जो, आ, है, वो खा लिया तो ट्री के ऊपर फिर से आएगा कि नहीं रीअवेलेबल होगा कि नहीं होगा भाई तो चलो वो रिसोर्स री एवेबिलिटी के तौर पर फिर से आ जाता है पर पेट्रोल मैंने गड्डी में डाल दिया फिर गाड़ी मैंने चला दी फिर गड्डी धुआं पेट्रोल का हो गया तो उस धुएं से फिर से पेट्रोल होगा नहीं होगा <laughs> तो रिअवेलबलेबल रिसोर्स फिर से बनेगा कि नहीं बनेगा उसके हिसाब से एक क्लासिफिकेशन करा गया और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर मतलब रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से है नेचुरली हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे रिसोर्स को कि भाई हर जगह पे पेट्रोलियम मिलता है हर जगह पे डायमंड्स मिलते हैं हर जगह पे गोल्ड मिलता है हर जगह पे ऑक्सीजन मिलता है हर जगह पे सब कुछ है कि अलग अलग कंट्री में या फिर अलग अलग लैंडस्केप्स के हिसाब से अलग अलग जगह पे रिसोर्सेज मिलते हैं या फिर हर जगह पे कहीं से भी खोद लो आप अपने घर में खोद लो वहां से भी पेट्रोल निकलेगा कि नहीं नहीं तो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के हिसाब से आपको पूछे जा सकता है ये रिसोर्सिस को किस तरह से क्लासिफाई करा गया ओनरशिप रियबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर उसमें से सबसे पहले हम देखते हैं ओनरशिप के हिसाब से रिसोर्सिस को किस तरह से बांटा गया ये आपको कई बार पूछा जाएगा याद रखना भूलना मत बच्चे हाँ सबसे पहला है इंडिविजुअल रिसोर्स इंडिविजुअल रिसोर्स मतलब हर एक पर्सन का इंडिविजुअल रिसोर्स होता है मतलब क्या डेफिनेशन दी गई इंडिविजुअली और फैमिली जिसके मालिक इंडिविजुअल मैं हो सकता हूँ आप हो सकते हैं या फिर आपकी पूरी फैमिली हो सकती है उसके एग्जाम्पल्स है यहाँ पे लैंड और बिल्डिंग आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि लैंड और बिल्डिंग आर द एग्जाम्पल ऑफ विच रिसोर्स कौन से रिसोर्स के ये एग्जाम्पल है भैया बता दो हमें तो ये इंडिविजुअल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स है या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इंडिविजुअल रिसोर्सेज के एग्जांपल दे दो मैं तो लैंड एंड बिल्डिंग ठीक है फिर नेशनल रिसोर्स नेशनल रिसोर्सेज के एग्जांपल दे दो तो आर्मी और इंटरनेशनल ट्रेड दो एग्जांपल यहां पे दिए गए हैं जो नेशनल रिसोर्स है आपको कहीं गली में झगड़ा हो गया किसी के साथ और आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं अभी आर्मी को बुलाता हूं तू रुक नहीं ये हमारे बाप की नहीं है आर्मी और इंटरनेशनल ट्रेड आर द एग्जाम्पल ऑफ विच रिसोर्स रिसोर्स ट्रू फोर्स में आपको ऐसा पूछ सकता है कि आर्मी और नेचरल इंटरनेशनल ट्रेड है उसकी जगह पे रख देंगे लैंड और बिल्डिंग आर द एग्जांपल ऑफ नेशनल रिसोर्सिस गलत फिर तीसरा है ग्लोबल रिसोर्स ऑल फिजिकल नॉन फिजिकल रिसोर्सिस जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए इंसान के भले के लिए जिसका यूज होता है दे आर कोल्ड ग्लोबल रिसोर्सेज इसके कोई एग्जाम्पल यहां पे दिए गए नहीं है कि कॉमन ओनरशिप होती है कई सारे ऐसे में जिसमें पूरे वर्ल्ड की कॉमन ओनरशिप होती है ठीक है हाँ तो इंडिविजुअल लैंड बिल्डिंग नेशनल रिसोर्स कौन ऑन करता है कंट्री और रीजन आर्मी इंटरनेशनल ट्रेड ग्लोबल रिसोर्स जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज करा जाता है तीन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हमने खत्म कर दिया इंडिविजुअल नेशनल और ग्लोबल ये भी पूछा जा सकता है र द रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप तो इंडिविजुअल नेशनल एंड ग्लोबल उसके बाद सेकेंड क्लासिफिकेशन में हम जाते हैं रिसोर्सिस कैन बी क्लासिफाइड फॉलोज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात हमने यहां पर करी थी ना ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तो अब वहां पहुंचे हम डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से क्या क्लासिफिकेशन हुआ है देखो फर्स्ट यूनिवर्सल रिसोर्स आपको पूछा जा सकता है एक मार्क में गिव यू एग्जाम्पल ऑफ यूनिवर्सल रिसोर्स वन मार्कर क्वेश्चंस जो आपको पूछे जाते हैं वन और टू वर्ड में जिसका आंसर लिखना वहां पे भी ये पूछा जा सकता है कि यूनिवर्सल रिसोर्सेज के एग्जांपल दे दो तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन किसके एग्जांपल्स है बच्चे तो यूनिवर्सल के मतलब डेफिनेशन यहां है यूजफुल गैसेस इन द एटमोस्फियर जो हर एक इंसान के लिए यूजफुल गैस है ऑक्सीजन हम यहां पे ऑस्ट्रेलिया चले गए तो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं कह सकती आप इंडिया से आए देख लो यहां ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया का ऑक्सीजन आप यहां आपको वीजा दिया गया है ऑस्ट्रेलिया में आने का ऑक्सीजन लेने का वीजा नहीं आप इंडिया का ऑक्सीजन इस्तेमाल करना तो बोटल लगा के घूमेंगे वहां नहीं यूनिवर्सल रिसोर्स है ठीक है फिर जनरली अवेलेबल रिसोर्स याद रखना जनरली अवेलेबल रिसोर्स जनरली अवेलेबल रिसोर्स में क्या होता है जो इजीली अवेलेबल होते हैं उसे कहते हैं जनरली अवेलेबल रिसोर्स जैसे कि लैंड सोइल वाटर पेस्टर लैंड पेस्टर लैंड मतलब जहां पे घास उगा हुआ है और डोमेस्टिक और जो भी फॉरेस्ट के एनिमल्स हैं जो वो घास चरते हैं रेयर रिसोर्स के एग्जाम्पल दे ऐसा भी पूछ सकते हैं तो मिनरल्स लाइक पेट्रोलियम कॉपर गोल्ड यूरेनियम ये सारे रिसोर्सिस रेयर है रेयर के बाद आता है सोलिटरी रिसोर्स सोलिटरी रिसोर्स का सिर्फ एक एग्जाम्पल है क्रायोलाइट ये टेक्स्ट बुक में इस तरह का स्पेलिंग है पर इसमें थोड़ी इश्यू है क्रायोलाइट का ओनली एग्जाम्पल ऑफ सोलिटरी है सोलिटरी एग्जाम्पल सोलिटरी रिसोर्स की तो सोलिटरी रिसोर्स मीन्स मिनरल्स अवेलेबल ओनली वन और टू प्लेसेस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक जगह पे या फिर सिर्फ दो जगह पे जो रिसोर्स अवेलेबल है उसे कहते हैं सोलिटरी रिसोर्स जैसे कि क्रायोलाइट जो सिर्फ एक जगह पे अवेलेबल है पूरे वर्ल्ड में ग्रीन लैंड में नाम है ग्रीन लैंड पर मैप में देखोगे तो ये ग्रीन है नहीं वहां पे मोस्टली स्नो ही होता है <laughs> तो डेफिनेशन आपको पूछ सकते हैं रेयर रिसोर्सेज की तो दोज अवेलेबल इन लिमिटेड प्लेसेस वन और टू तो सोलिटरी वन और टू तो सोलिटरी लिमिटेड प्लेसेस रेयर रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल जनरली अवेलेबल ठीक है इट ये कई बार एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछा गया सो माइंड वेल अब उसके बाद है रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड बाय अदर मेथड्स जैसे कि रीएवेबिलिटी की बात करी थी ना हमने रिसोर्सिस रीअवेलेबल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते लेट्स गो गोइंट लॉर्न इट दो रीअवेबिलिटी के जो क्लासिफिकेशन है उसमें दो पार्ट है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज Renewable मतलब जो रिन्यू हो जाता है कुछ टाइम में रिन्यू हो ही जाता है और मतलब एक बार आपने हजार सालों में रिप्रोड्यूसल खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है एज पर देयर यूसेज ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम

वो फिर से वहां आम लग जाएंगे तो रिप्रोड्यूस तो दे आर इन एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज जैसे कि उसके एग्जाम्पल कुछ दिए हैं सोलर इंसोलेशन आप सोलर से कितनी भी एनर्जी खींच लो खींच लो पैनल के थ्रू फिर से आती रहती आती रहती विंड एनर्जी बर्ड्स जो मरते हैं एनिमल्स जो मरते हैं फिर से रिप्रोड्यूस हो जाते हैं बायो रिसोर्सिस वगैरह सब कुछ जो जंगल के थ्रू है फूल अंडर दिस कैटेगरी फॉल फॉल सॉरी फूल कहां से आ गया फोल अंडर दिस कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में आते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज में दिस आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज अब है नॉन रिन्यूएबल रिन्यूएबल रिसोर्सेज नॉन रिसोर्सेज में क्या है खास याद रख लेना कैन नॉट बी रीयूज वंस दे आर यूज एक बार यूज कर लिया फिर दूसरी बार आप उसे यूज नहीं कर सकते <laughs> चाहे आप अंबानी के भी दादा क्यों ना हो आपका पेट्रोलियम धुआं बन गया फिर उस धुएं से अदानी अंबानी या बिल गेट्स का दादा भी पेट्रोल नहीं बना सकता फ्यूचर आने वाले कुछ साल नहीं कुछ हजार साल नहीं कुछ लाख साल में भी वो फिर से नहीं बन पाते क्योंकि पेट्रोलियम बनते बनते कई मिलियन ईयर्स लग गए तब जाके हम पेट्रोल यूज करते हैं आज तो आने वाले फ्यूचर में रिफॉर्म नहीं हो सकता रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता के बाद यूज नहीं यूज के बाद यूज नहीं, नहीं हो सकता जैसे कि मिनरल कोल नेचुरल गैस पेट्रोलियम ये सब इस कैटेगरी में आते हैं तो हमने तीन तरह की चीजें यहां देख ली कि रिसोर्सिस को क्लासिफाई करा जाता है ओनरशिप रियुएबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तो ये हमने ओनरशिप के बारे में पढ़ लिया फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ये यूनिवर्सल रिसोर्स जनरली अवेलेबल रेयर सॉलिटरी फिर नॉन रिन्यबिलिटी है कि नहीं उसके बारे में भी पढ़ लिया अब आगे जाएंगे प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ कि रिसोर्सेस है उसे हम कैसे प्लान करें कि उसे बचा सके प्रोटेक्ट कर सके तो देखो प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज जो भी रिसोर्स है जो हमारे पास रिवेबल uh, नहीं होता है जो खत्म हो जाता है और या फिर नजदीक के फ्यूचर में जो खत्म हो जाने वाला है उसे हमें कंजर्व करना पड़ेगा उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा बचा के रखना पड़ेगा संभल के यूज करना पड़ेगा सो so, उसके प्लानिंग के बारे में बात है ये पूरा क्वेश्चन आपको तीन मार्क में आ सकता है कि गिव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज ठीक है

बहुत ही बड़ा पॉइंट है लास्ट हंड्रेड इयर्स के अंदर अंदर सौ साल के अंदर अंदर पिछले सौ साल के अंदर अंदर जो रिसोर्सिस जो है जो कि लिमिटेड है उसका यूज जो है उसका जो यूसेज है वो इंक्रीज वेरी मच वो बहुत ही बढ़ गया है उसके पीछे के दो रीजन है वन एंड टू फर्स्ट रीजन क्या है कि रिसोर्सिस का यूसेज बढ़ गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ एक्स्ट्राजन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ तो रिसोर्स का यूज बढ़ गया कैसे जिसकी पहले के जमाने में मान लो कि सिर्फ हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर में एप्पल्स पे ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाए जाते हैं एप्पल का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वहीं होता है तो एप्पल्स यहाँ पे गुजरात में आते कन्याकुमारी जाते ईस्ट इंडिया में जाते तो उस समय पर ट्रांसपोर्टेशन उतना था नहीं तो उस जो जो भी एप्पल उगाए जाते थे। उसका यूज उतना था नहीं वो रिसोर्सेज का पर अब ट्रांसपोर्टेशन फास्ट है कल वहाँ से ट्रक लोड कर दो इंडिया के किसी भी कोने में दो दिन में पहुँच जाएगा तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेट्रोल उसका यूज़ पहले था नहीं पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इतना अच्छा डेवलपमेंट हो गया तो यूज ऑफ रिसोर्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया फर्स्ट रीज़न सेकेंड है पॉपुलेशन एक्सप्लूशन पॉपुलेशन ही उतनी बढ़ गई इंडिया जब आज हुआ था तो फिफ्टी करोड़ थे अब जाके वन था वन हंड्रेड करोड़ हम बढ़ गए ज्यादा कुछ नहीं बढ़ा सौ करोड़ बढ़ गए बस तो ये पॉपुलेशन देखो आप अपने घर में अकेले इंसान हो और हर रोज एक आइसक्रीम खाते हो आपके पास बढ़िया बेहतरीन रिसोर्स है आइसक्रीम पर यदि आपकी शादी होती है आपके बच्चे होते हैं तो आपका फैमिली यदि ग्यारह बारह जाने का हो गया फिर तो फिर रिसोर्सेज तो वही है घर तो उतना ही है वो तो बढ़ेगा नहीं आप खींचोगे तो नहीं हो उसे हर एक साइड से तो पॉपुलेशन बढ़ती है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होता है तो रिसोर्स का यूज सौ सालों में बहुत ही बढ़ गया फिर तीसरा मॉइंट देख सेवर इम्प्लीकेशन कई सारी ऐसी खराब इफेक्ट हो सकती है इन द फ्यूचर भविष्य में इफ अ सीरियस थॉट इज नॉट गिवन टू दिस मैटर यदि हम सीरियसली होकर इस मैटर पर ध्यान नहीं दे सोचे नहीं यदि हमने तो बहुत ही खराब इफेक्ट एक्सपीरियंस करने को मिल सकते आने वाले जमाने में आने वाले फ्यूचर में सो इट इज अवर ड्यूटी इसीलिए हमारी ड्यूटी बनती है कि हम रिसोर्सेस को कंजर्व करें संभाल के रखें फॉर द फ्यूचर जनरेशन आने वाली पीढ़ी के लिए वरना उसके हाथ में क्या आएगा कुछ भी तो नहीं आएगा और गाल मिलेगी हमें कि हमारी जो पीढ़ी आगे की जो चली गई इंसिस्टर्स उन लोगों ने रिसोर्सेज को गला कौट दिया उतना यूज कर लिया रिसोर्स शुड बी कंजर्वड एंड शुड बी यूज रेशनली। रिसोर्सिस का कंजर्वेशन होना जरूरी है उसके संभालना प्रोटेक्शन होना जरूरी है और उसका यूज रेशनली होना चाहिए जब जरूरत पड़े तभी उसका यूज करो केयरफुली यूज करो रैशनली का मतलब केयरफुल यूज करो दर्ल्ड कंजर्वेशन कंजर्वेशन का मतलब ही है कि स्केयरसिटी ऑफ द रिसोर्सिस रिसोर्स की कमी पड़ गई तभी तो यह वर्ल्ड का जन्म हुआ कंजर्वेशन का किसी चीज को प्रोटेक्ट क्यों करोगे किसी चीज को बचाओगे क्यों क्योंकि वो चीज खत्म होने में उस चीज के ऊपर खतरा है खतरे की घंटी बज रही उसके है उसके ऊपर तलवार लटक रही है इफ द रिसोर्सिस आर एक्सक्लूडेड द करंट रेट जिस तरह से अभी हम रिसोर्सिस को यूज कर रहे हैं उस रिसोर्सिस को हम खत्म कर रहे हैं ना भैया दे आर एंड इरेशनली then it will be a dream to maintain the development and the current lifestyle जिस तरह से irrationally जरा भी हम care नहीं करते एपिसोडली मतलब ऐसे वैसे हर तरह से dangerously भयंकर हम रिसोर्सेज का करंट रेट में जिस तरह से एक्सप्लोय कर रहे हैं खत्म कर रहे हैं रिसोर्सेज को तो ये एक सपना बन जाएगा ये एक ड्रीम बन जाएगा कि डेवलपमेंट एंड द करंट लाइफ हमारी जो करंट लाइफ स्टाइल अभी जो चल रही है ना उससे मेंटेन करना और उसे डेवलप करना दोनों एक ड्रीम बन जाएगा इट इंक्लूड्स लाइक देखो किस तरह से उसमें क्या होना चाहिए क्या रेशनल यूज मतलब केयरफुल यूज होना चाहिए यदि हमें हमारी लाइफ स्टाइल करंट लाइफ स्टाइल मेंटेन करनी है या फिर डेवलपमेंट करना है तो यूसेज कैसा होना चाहिए रेशनल मतलब केयरफुल उसको कंजर्व मतलब उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए उसे हमें बचाना चाहिए या फिर यदि हो सके तो जो भी ऐसे रिसोर्स है जो रीयूज होते हैं उसे रीयूज करना चाहिए वेन देर इज अ डेंजर ऑफ एक्सिस्टेंस ऑन द लाइफ ऑफ अट जो ये 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 कई बार पूछा जा सकता है कि वोट इज कंजर्वेशन डिफाइन करो डिफाइन कंजर्वेशन एक मार्क के लिए आपको पूछा जा सकता है वेन देर इज अ डेंजर ऑफ एक्सिस्टेंस ऑन द लाइफ लाइफ की बात है ट्री की बात है और ह्यूमन हम ह्यूमन सारे प्लांट्स है वो सारे प्लांट्स एंड लाइफ मतलब ह्यूमन को छोड़कर कोई भी चीज़ में जान है उन सब का जो अस्तित्व है एग्जिस्टेंस है उसके ऊपर यदि कोई खतरा आता है अरेंजमेंट मेड फॉर इट, तो उस खतरे को टालने के लिए जो अरेंजमेंट करा जाता है दैट इज कोल्ड कंजर्वेशन किसी इंसान किसी प्लांट या कोई भी लाइफ लिविंग बिंग उसके अस्तित्व के ऊपर यदि कोई खतरा आता है

वेबिलिटी देखो सबसे पहले यदि किसी चीज को प्रोटेक्ट करना है बचाना है तो आपके पास कोई लिस्ट आउट होना चाहिए कि कोई इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन ये गैदर कर लो कि जो भी रिसोर्सेस है वो रिसोर्सेज जो यूटिलाइज्ड हो गए जिसका हमने गला नि, निचोड़ दिया है जो सारे के सारे हमने चूज लिए वैसे जो भी यूटिलाइज हो चुके यूज हो चुके वैसे रिसोर्सेज का एक लिस्ट बनाओ दूसरा अनयूटिलाइज अभी रिसोर्स यूज होना बाकी है हुँ? उसका एक लिस्ट बनाओ एंड प्रोबेबल रिसोर्सेज प्रोबेबल रिसोर्सेज मतलब क्या कोई भी हमारे कंट्री में कोई भी एरिया में हो सकते हैं प्रोबेबल रिसोर्सेज मतलब क्या जो रिसोर्स आने वाले समय में हमें यूज करने को मिल सकता है उस तरह के जो रिसोर्स मतलब यूटिलाईजिलाइज एंड प्रोबेबल रिसोर्स तीनों का एक लिस्ट होना चाहिए आपके पास फिर द रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड और नॉन रिन्यूएबल ऐसे रिसोर्स जो कि लिमिटेड है जो कि नॉन रिन्यूएबल है जो लिमिटेड क्वांटिटी में है और रिन्यू नहीं होते हैं एक बार धुआं निकल गया फिर पेट्रोल नहीं बनता है वैसे रिसोर्सेज शुड बी एक्सप्लोर साइंटिफिकली उसे साइंटिफिकली साइंस के तौर तरीकों से हमें एक्सप्लोर करने चाहिए यूज करने चाहिए केयरफुल यूज करने चाहिए मतलब क्या ये बात तो लिख दी है पर इसमें इस कितनी सच्चाई है वो तो आप देख लो देखो वैसे बाइक और कार्स बननी चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा एवरेज दे तो हमने पेट्रोल एज ए रिसोर्स का साइंटिफिकली यूज किया वैसा कहा जा सकता है अभी बाइक ही ऐसे बन रहे है कि एक लीटर में हार्डली टेन टू ट्वेंटी किलोमीटर चले वो भी मैंने ज्यादा कह दिया वैसे बाइक को प्रमोट करा जा रहा है वैसे बाइक लाखों में आते हैं वैसे कार लाखों में आती तो हम साइंटिफिकली कहां उसका कुकड़ा छाप एक्सप्लोर्ट कर रहे हैं बनाइए ऐसे रहे वो दूसरा शुड बी यूज वेर इट इज ने उसका तभी यूज होना चाहिए जब जरूरत हो या हमें पढ़ाया अच्छा अच्छा जा रहा है पर एक्शन वैसे कर नहीं रहे गवर्नमेंट या कोई भी बिजनेस में अटैम्प शुड बी मेड टू डेवलप दोज रिसोर्सेज वैसे रिसोर्सेज जो है उसे डेवलपमेंट करने के अटेम्प्ट कोशिश करी जानी चाहिए द क्वांटिटी ऑफ फिश कैन बी इंक्रीज वैसे रिसोर्सेज जिसकी क्वांटिटी बढ़ाई जा सकती है यदि साइंटिफिकली रिसर्च करके आप सोचे तो कई सारे ऐसे रिसोर्स है जिसकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो तो उस दिशा में हमें चलना चाहिए कि वैसे कई सारे रिसोर्सिस का लिस्ट आउट करके उसकी क्वांटिटी बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए तो कहाँ हो सकता है द विच आर चीपर एंड आर इजीली अवेलेबल कई सारे ऐसे रिसोर्सेज जैसे कि वाटर पानी है जमीन है

वैसे रिसोर्सेज जो नेचर हमें ऐसे ही दे देता है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे हम बिगाड़े ही जाए एक फेस धोने के लिए कितना पानी की जरूरत होती है और फिर भी पूरा जो टैप है हम खुला छोड़ देते हैं जब तक हमारा फेस हम धो ले ऐसे पानी डालेंगे ताजगी का अनुभव करेंगे नीचे पानी जाहिर है दैट इज अ चीप रिसोर्स दैट इज ईजी अवेलेबल रिसोर्स बट वी जस्ट लेट दैट वॉटर ऑफ टैप रन बो सोचता ही नहीं है कोई कई सारे मिनटों तक कई घंटों तक भी लोग बाथरूम में ऐसे ही खड़े खड़े शावर लेते नहाते फिल्मी दुनिया में खो जाते है? Next, में जाते हैं प्रोटेक्ट है, करना है चाहिए फाइंडिंग इट्स अल्टरनेटिव ऑप्शंस जो लिमिटेड क्वांटिटी में है, उस रिसोर्सेज की जगह यदि कोई दूसरा रिसोर्स यूज करते कर सकते हैं कि नहीं वो ऑप्शंस हमें अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढने चाहिए कैसे टेक्निकल डेवलपमेंट जो हो चुका है साइंस का डेवलपमेंट हो चुका है तो उसके माध्यम से क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो फेवरेबल है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी uh, से चलने वाली गाड़ियां हैं वो ऑप्शन है पेट्रोल का सो so, हमने साइंस और टेक्नोलॉजी के मीडियम से उसे ढूंढ निकाला सो लॉन्ग टर्म में हमें फ़ायदा पहुंचाएगा ये नेसेसरी कई सारे ऐसे कड़े बनने चाहिए जरूरत वाले कई सारे से कड़े लॉस बनने चाहिए फॉर्म होने चाहिए फॉर द कंजर्वेशन ऑफ शुड बी स्ट्रिक्टली बन के फिर डिब्बे में डिब्बी डिब्बे में डिब्बी वो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में अंदर पेज के अंदर रह नहीं जाने चाहिए वो लॉस बन के स्ट्रिक्टली एनफोर्स भी होने चाहिए लागू भी तो होने चाहिए बन के क्या करेंगे आपके यहां अच्छे से अच्छी चीजें बनी है मिठाइया बनी है ये वो जो भी आपको पिज्जा पसंद है वो भी बना है पानी पूरी भी पसंद है वो भी बनी है सारी चीजें अच्छे से अच्छी बनी है तो आप वो चीज सिर्फ रखोगे या या फिर खाओगे स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करोगे अपने माउथ uh, के अंदर सो दैट इज लाइक दैट सिटीजन शुड बी वेल इक्विप्ड सॉरी सिटीजन शुड बी वेल इक्वेंटेड विथ ऑल द फैक्ट्स एसोसिएटेड विद द यूज जो भी कंट्रीज है उनके सिटीजन वेल अवेयर होने चाहिए इन सारी चीजों के बारे में कि भाई ये सारे रिसोर्स हमें ऐसे यूज करने चाहिए स्पेयरिंग यूज करने चाहिए केयरफुल यूज करने चाहिए उसे वेस्ट नहीं करने चाहिए ये सारी चीजें और पब्लिक अवेयरनेस शुड बी कल्टिवेटेड पब्लिक अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाने चाहिए हमें ठीक है तो यहां पे प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज खत्म हो गए अब यहां से है सोइल सोइल फॉर्मेशन। मजा आती है हम मिट्टी से जुड़े इंसान जो है मिट्टी से बने इंसान जो है तो वो मिट्टी फॉर्म कैसे होते हैं ये मिट्टी का जो फॉर्मेशन है वो भी एक मार्क के लिए आ सकता है डिफाइन सोइल फॉर्मेशन ठीक है देखो आ, पहले तो सोइल क्या है वो देख लेते हैं वो एक मार्क के लिए आपको आ सकता है वन मार्क क्वेश्चन है वॉट इज सोइल देखो पार्ट ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ वेयर इन वेजिटेशन ग्रोज इज नोन ए सोइल जो भी मिट्टी है जो भी जमीन है जो हमारी अर्थ है पृथ्वी उसके सबसे ऊपर का जो पार्ट जिसमें वेजिटेशन मतलब ट्रीज प्लांट्स उगते हैं ग्रो होते हैं बड़े होते हैं फल देते हैं उसे कहते हैं सोइल जो एक जमीन है जमीन के ऊपर का जो हिस्सा है उसमें जहां की प्लांट्स उगते हैं दैट इज कॉल्ड सोइल ठीक है फर्स्ट डेफिनेशन आगे सोइल इज अ थिन लेयर कंपोज ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ ये दूसरी डेफिनेशन ये क्या है एक पतला सा लेयर है जमीन के ऊपर का एकदम पतला सा लेयर है जिसमें कई सारे एलिमेंट्स होते हैं मिनरल्स विटामिन जो प्लांट्स को चाहिए ग्रो होने के लिए वो होते हैं उसे भैया मिनरल्स ह्यूमिडिटी ह्यूमस एंड एयर ये सारी चीजें मिक्स होती है मिनरल्स हम जानते हैं ह्यूमिडिटी मतलब पैज मतलब पानी का एक हिस्सा होता है उसमें ह्यूमस मतलब फर्टिलाइजर होता है उसमें हवा होती है उसमें फिर पेरेंटल रॉक्स ला बिलो द सोइल सोल के नीचे क्या होता है सोल के नीचे पेरेंटल रॉक्स होते हैं कैसे रॉक्स पेरेंटल रॉक्स होते हैं सोइल के नीचे वो रॉक्स सोइल को बनाए रखते हैं मतलब ये भी आपको एक मार्क के लिए आ सकता है कि सोल के नीचे क्या होता है तो पेरेंटल रॉक्स होता है पेरेंटल रॉक्स मतलब वो रॉक्स जो सबके बाप होते हैं या या सही में इसका मीनिंग यही होता है सबके बाप जिसकी वजह से ऊपर सोइल का जो अपर लेयर है वो बना रहता है अदरवाइज इट कैन नॉट बी पॉसिबल तो बिलो है सोइल के नीचे होता है सोइल के ऊपर नहीं होते हैं पेरेंटल रॉक्स ठीक है फिर सोइल इज अवेलेबल थ्रू ड्यूमिडेशन डेलोमिडेशन का मतलब क्या होता है कि एक एक बड़ा सा पत्थर मान लो एक स्टोन मान लो कई सारे ऐसे स्टोन्स या फिर कोई एक स्टोन मान लो वो पाने की वजह से या फिर हवा की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसपोर्ट करता है जो बहता रहता है और वो धीरे 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 छोटा होता जाता है उसके जो पार्टिकल्स है वो उससे एक्सट्रैक्ट होते जाते हैं और फिर जो मिट्टी का बनना उस पार्टिकल्स से एकदम एकदम माइक्रो माइनट एकदम हो जाते हैं वो पार्टिकल्स वो प्रोसेस को कहा जाता है डेन्यूडेशन प्रोसेस और उससे जो मटेरियल मिलता रहता है वो है सोइल नथिंग बट दैट फिर सोइल में क्या मिक्स होता है यहाँ पे देखो है, हवा है ह्यूमस है ह्यूमिडिटी है मिनरल्स है वही सारी चीजें बायोटिक रेमनेंस ह्यूमिडिटी एंड एयर ह्यूमिडिटी और एयर तो यहीं आ गए फिर रेमनेंस का मतलब है रेमनेंस मतलब क्या कि जो भी प्लांट है जो भी लिविंग बींग है जैसे कि कोई एनिमल है कोई बर्ड है या फिर कोई ट्री है वो जैसे ही नेचुरली नेचुरली उसका कोई डेथ हो जाता है कोई ट्री गिर जाता है या फिर बर्ड एनिमल मर जाता है फिर वो वहीं पड़े रहते हैं और वो सड़ जाते हैं है है, <coughs> है। kind of दूसरे वर्ड में कहा जाए तो सोइल है क्या नेचुरली मिक्सचर है किस चीज का मिक्सचर है मिनरल्स बायोटिक एलिमेंट्स बायोटिक एलिमेंट्स मतलब प्लांट्स बर्ड्स एनिमल्स उसके जो भी डिके हो गए हुए बॉडी वो सारी चीजें उसमें मिक्स हो जाती है विच हैव कैपेसिटी टू ग्रो एंड डेवलप वेजुटेशन जिसमें ये ये बात खास है यहां पे दूसरे वर्डों में कहा जाए तो सोइल क्या है एक नेचुरल मिक्सचर है किस चीज का मिनरल्स बायोटिक एलिमेंट्स विच हैव द कैपेसिटी टू ग्रो जिसमें ये कैपेसिटी होती है किसके पास मिनरल्स और बायोटिक एलिमेंट्स उसके हर एक सोइल में ये कैपेसिटी नहीं होती है पर कई सारे ऐसे सोइल के पार्ट होते हैं जिसमें मिनरल्स और बायोटिक एलिमेंट्स मिलाकर ऐसी कैपेसिटी हो जाती है कि कोई भी वेजिटेशन को ग्रो कर पाए और उसे डेवलप कर पाए ठीक है उसके बाद है सोइल ये सोइल फॉर्मेशन की बात हो गई हाँ

एक जैसी नहीं होती है मतलब हर जगह पे जो सोइल होती है उसमें एक जैसा बायोटिक एलिमेंट्स नहीं होता है, एक जैसे मिनरल्स नहीं होते मतलब जहां आप एप्पल उगाते हो जहां आप मैंगो उगाते हो वो दोनों सोइल अलग अलग मिनरल्स और बायोटिक एलिमेंट्स रखती है सेम प्रपोर्शन सेम क्वांटिटी क्वालिटी एक जैसी नहीं होती है दस सोइल इज द लेयर ऑफ द सर्फेस ऑफ द मैटर फॉर्म ड्यू टू द मिक्सचर ऑफ मटेरियल ऑफ पेरेंटल रॉक्स एंड वेजिटेशन दो चीज की बात यहां पे देख लो एक वेजिटेशन दूसरा है पार्ट होता है वो पेरेंटल रॉक्स और मटेरियल दोनों के स्केटल्ड मटेरियल हर जगह पे फैले जो मटेरियल है उसका जो मिक्सचर होता है उससे जो फॉर्म होती है वो है सोइल फैक्टर्स ऑफ डेन्युडेशन प्रिपेयर वेरी थिन लेयर थ्रू द डेन्यूडेशन ऑफ रॉक्स फैक्टर ऑफ डेन्यूडेशन डेन्यूडेशन का फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैंने पूरा समझा दिया आपको वो क्या करता है कि वेरी थिन एकदम पतला लेयर सोइल का फॉर्म करता है कैसे थ्रू द डेन्युडेशन रॉक्स जो रॉक्स बहते चले जाते हैं पानी से हवा से और उसके पार्टिकल्स अलग 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 होते जाते हैं उससे सोइल का ऊपर का पतला लेयर प्रिपेयर होता है और ये कोई एक दो तीन चार साल में नहीं होता है ऐसा भी कहा जाता है कि एक इंच बाय एक इंच का स्क्वेयर एक इंच बाय एक इंच का इतनी सोयल बनने के लिए भी मिलियंस ईयर लगता है सो so, फिफ्थ में लिखा है द ह्यूमस फैंड ड्यू टू द डिसंटीग्रेशन ऑफ डिक वेजिटेशनल इंसेक्ट इज एडेड टू दिस देखो ये डी इंट्रेशन प्रोसेस हो गई ठीक है उससे पतला लेयर बन गया ठीक है उसके बाद उसमें ऐड क्या होता है जैसे हम चाय प्रिपेयर करते हैं तो पहले उसमें मिल्क डालते हैं फिर पानी डालते हैं मिल्क मिल्क डालते हैं चाय की पत्तियाँ डालते हैं शुगर डालते हैं जो भी जो भी प्रोसेस होती है तो यहाँ पे थिन लेयर प्रिपेयर हो गया उसके बाद ह्यूमस उसमें ह्यूमस मतलब फर्टिलाइजर नेचुरल फर्टिलाइजर उसमें ऐड होता है पर वो कैसे ऐड होता है डिके ऑफ वेजिटेशन जो भी ट्रीज है वो गिर जाते हैं नेचुरल या कैसे भी करके उसका सड़ जाना फिर वो सड़ जाते हैं और मिक्स हो जाते हैं मिट्टी के साथ ये प्रोसेस हो गए फर्स्ट ह्यूमस नेचुरल फर्टिलाइजर बन गया और ऐड हो गया दूसरा इंसेक्ट जो भी बर्ड्स एनिमल्स उसका बॉडी सड़ जाता है मरने के बाद वो भी मिट्टी में मिल जाता है तो ये ह्यूमस हो गया ठीक है फिर दिस बायोटिक एलिमेंट्स ये बायोटिक एलिमेंट्स इंसेक्ट और वेजिटेशन का जो डिक्के है ये बायोटिक एलिमेंट्स है प्ले वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन फॉरेस्ट में जो ट्रीज है या कोई भी जगह पे ट्रीज प्लांट्स को ग्रो करने में डेवलपमेंट करने में सबसे बड़ा रोल है ये ही बायोटेक एलिमेंट्स एंड द क्लाइमेट इंपैक्ट ये भी तो बड़ी बात है भैया क्लाइमेट इंपैक्ट इज द ड्यूरेशन ऑफ सोइल फॉर्मेशन इज सो इंपॉर्टेंट एंड वाइड स्प्रेड देखो सोइल पतला लेयर बन गया फिर उसमें ह्यूमस ह्यूमसाइड हो गया फिर उसके बाद यहां बड़ी बात ये आती है कि क्लाइमेट का रोल भी बड़ा है क्लाइमेट का रोल दैट द फॉर्मड देखो ये ये, ये दोनों पॉइंट बहुत ही प्यारे हैं और समझने के लिए इंपॉर्टेंट है देखो सोइल फॉर्म ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स अलग अलग टाइप के रॉक से जो सोइल बनती है अलग अलग टाइप के रॉक से जो सॉइल बनती है इन दैट रीजन ओवर अ लॉन्ग टाइम इज द सेम देखो एरिया एक ही है ठीक है उसमें अलग अलग टाइप के रॉक से बनी हुई सोइल अलग अलग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए एरिया एक ही है जैसे कि मान लो कि अहमदाबाद अहमदाबाद में अलग अलग टाइप से बनती हुई सोइल अलग अलग होनी चाहिए हे भी। पर ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो अलग अलग रॉक से बनी हुई सोइल एक हो जाती है रीजन क्या उस एरिया का जो क्लाइमेट है वो एक है इसीलिए अलग अलग रॉक से बनी सोइल भी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में एक हो जाती है अब दूसरा पॉइंट द सोइल फॉर्म आउट ऑफ द सेम पेरेंटल रॉक्स एक एरिया है उसमें एक ही तरह के पेरेंटल रॉक से सोइल बनी है एक ही तरह के पेरेंटल रॉक से सोइल बनी है पर अंडर डिफरेंट क्लाइमेट पर उस एरिया का जो क्लाइमेट है क्लाइमेट डिफरेंट है एक ही रॉक से बनी हुई सोइल है पर क्लाइमेट डिफरेंट है, है बच्चा तो उसकी इफेक्ट होती है कि एक ही पेरेंटल रॉक से बनी हुई सोइल भी डिफरेंट 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 हो जाएगी बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट सो क्लाइमेट प्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल एक ही एरिया अलग अलग पेरेंटल रॉक से बनी हुई सोइल क्लाइमेट सेम सोइल सारी सेम हो जाती है दूसरा एक ही एरिया अलग एक ही पेरेंटल रॉक से बनी हुई सोइल क्लाइमेट अलग अलग सोइल भी अलग अलग हो जाती है सो नेक्स्ट सोइल का क्लासिफिकेशन कैसे होता है सोइल का क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर उसका कलर उसका क्लाइमेट कैसा है पेरेंटल कौन से पेरेंटल रॉक से बनी है उसका स्ट्रक्चर क्या है उसमें ह्यूमस कैसा है मतलब उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है या कम है इन सबको ध्यान में रखते हुए सोइल को क्लासिफाइड करा जाता है फिर टाइप्स ऑफ सोइल देख लो ये एक मार्क के लिए सवाल हजारों बार पूछा गया है मैं जब से पढ़ा रहा हूं तीन चार सौ साल से तब से ये सवाल तो कितनी बार पूछा गया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म बार बार पूछते हैं और यहां काउंसिल की जगह पे वो अलग अलग कई वर्ड घुसार देते हैं सो माइंड वेल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने डिवाइड किया इंडिया की सोइल को आठ टाइप में है और दी द माउंटेन फॉरेस्ट सोइल आर फाउंड एट द डिफरेंट अल्टीट्यूड ऑफ माउंटेन रिस माउंटेन रीजन में एकदम पे, हाइट पे थ्री प्लस फिट के हाइट के ऊपर मीटर की हाइट के ऊपर ये माउंटेन सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल मिलती है उसके बारे में आएगा डिटेल में पहले देख लेते हैं कि वो आठ टाइप कौन कौन से है फर्स्ट है एलुवियल सॉइल रेड सॉइल ब्लैक सॉइल लैटरेड सॉइल डेजर्ट सॉइल माउंटेन सॉइल फॉरेस्ट सॉइल मार्शी और पीटी सॉइल ये आठ टाइप पूछे जा सकते हैं आपको हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल ऑफ इंडिया और पिटी सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में वो हम पढ़ेंगे देखो ये जो ये जो सोयल है जिसके नाम हमने देख लिया है तो जैसे कि एल्यु ब्लैक डेजर्ट फॉरेस्ट रेड लेटरेट माउंटेन एन मार्शी और पिटी तो ये, ये सारी सोल का हम एक फॉर्मुला बना सकते हैं ताकि शॉर्ट में हमें याद रह जाए कैसा जिसकी ए बी डी ए बी डी को कौन नहीं जानता एबी विलियर्स <laughs> तो एलविल ब्लैक सोल एंड डेजर्ट सोल आगे एब डी एफ आर या आर एफ एबी एफ आर एफ आर एल एबीडी एफ आर एल एम स्क्वेर एबी एफ आर एल एम स्क्वेर एबीडी एफ आर एल एबी एफ आर एल उन्होंने एफ आर आई करवाई एम के ऊपर एबीडी एफ आर एब स्क्वायर सो so, एलोवेल ब्लैक डेजर्ट फिर ये फोर सोल रेड सोल लेट्रेड सोल फिर ये माउंटेन सोल एंड मार्शे सोल सब एक ही फॉर्मूला में आ गए अब एक के बाद एक सोल के बारे में डिटेल में जानना है देखो सबसे पहले यहाँ है आपके सामने एलोवेल सोल एलोवेल सोइल जो है वो इंडिया के टोटल एरिया से 43 परसेंट ताल्लुकात रखती मतलब आउट ऑफ टोटल एरिया जितना भी एरिया है

फ्रॉम द ब्रह्मपुत्रा वैली इन द ईस्ट ईस्ट से ईस्ट में हमें पता है ब्रह्मपुत्र वैली है पूरी ब्रह्मपुत्र रिवर अरुणाचल से जो एंटर होती है वो ब्रह्मी वहां से अलविलती है टू सतलुज रिवर इन द वेस्ट वेस्ट में सतलुज रिवर है वहां तक मतलब ईस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर की जो घाटी है वैली है वहां से शुरू होती है और ईस्ट में कहा खत्म होती है वो सतलुज रिवर की घाटी में वैली में ये ईस्ट वेस्ट की बात हो गई अब है इन द डेल्टा रीजन ऑफ महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी ये गोदावरी महानदी कृष्णा कावेरी रिवर जो साउथ की नदियां है बड़ी बड़ी नदियां वहां पे भी अलविल सोयल अपना एक ऑफिस खोले बैठी हुई है सो ईस्ट वेस्ट में ब्रह्मपुत्र और सतलुज और साउथ में महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी एम जी के कैसी के। <laughs> कैसी नदियां हैं एम जी के, के। ठीक है फिर तीसरा पॉइंट एल्युएल का फॉर्मेशन ऑफ इज ड्यू टू द डिपोजिशन बाय द रिवर्स देखो रिवर्स जब बहती है तो उसके साथ कई सारे सिल्ट फर्टिलाइजर खींच के, के आती है और अपने किनारों की और इस साइड भी किनारा है उस साइड भी किनारा है हर एक बैंक ऑफ द रिवर के साइड वो वो जो सिल्ट है वो फर्टिलाइजर जो नेचुरली बहा के लेके आती है अपने साथ फ्लड वगैरह में वो जहां जहां वो डिपोजिट करती है वो डिपोजिट से एल्यूविल सोइल फॉर्मेश होती है मतलब बनती है उसका फॉर्मेशन तब होता है इस इस एल्यूविल सोइल में कौन सी चीज ज्यादा है पोटाश है इसमें फोस्परिक एसिड है लाइम है सारी चीजें इसमें भर भर के डाली गई है क्या क्या चीजें है पूछ सकते हैं आपको वोट इज इन द एल्यूबिल सोइल आपको पूछा जा सकता है कि किसी कौन सी सोइल है जिसमें नाइट्रोजन एंड ह्यूमस का कंटेंट एकदम डाउन है कम है उसे पसंद नहीं है यार तो क्यों वो डाले ज्यादा क्या चीज कम है नाइट्रोजन और ह्यूमस का जो प्रपोर्शन है उसका जो कंटेंट है वो कम है पर पर इफ पल्सेस आर ग्रोन पल्सेस आर Is grown, ये तो जो ये, ये मतलब नाइट्रोजन कंटेंट तो जो कम है वो कंटेंट नाइट्रोजन का जो है वो स्टेबिलाईज कर सकते हैं उसे में सकते हैं उसे बैलेंस कर सकते हैं तो आपको यह पूछा जा सकता है कि टू स्टेबिलाइज टू बैलेंसेंट ऑफ नाइट्रोजन इन एलुवेल सोइल वी ग्रोन मोर इन लेट पैंडी जूट कॉटन मेस ऑइल सीड्स वगैरह 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 इस सॉइल में आप उगा सकते हो आराम से उगा सकते हो बिना तकलीफ के तो एल्यूवेल हमें पता चल गया, टोटल एरिया नॉर्थन प्लेन में ब्रह्मपुत्र वैली से सतलुज रिवर डेल्टा में महानदी एम जी के के डिपोजिशन से ही एल्यूवेल सोयल का फॉर्मेशन होता है पर इसमें पोटास फॉस्फोरिक एसिड लाइम स्टोन ज़्यादा है फिर नाइट्रोजन ह्यूमस का कंटेंट कम है यदि नाइट्रोजन का कंटेंट स्टेबिलाइज़ करना है पल्सिस से फिर ये सारे क्रॉप्स वहाँ ले सकते हैं उसके बाद है रेड सोइल देखो ये फोटो भी है रेड सोइल 43 थ्री परसेंटेज अलुवेल्स है टोटल एरिया में उसके बाद सेकंड नंबर को लीडिंग पोजिशन में बाद तो वो है रेडल रेड ऑफ टोटल लैंड ऑफ इंडिया में है 19 इट इज स्प्रेड फ्रॉम तमिलनाडु ये कहां से कहां, कहां स्प्रेड हुई है देखो तमिलनाडु से शुरू होती है फैलना अपने टांगे तमिलनाडु से शुरू हुआ इन दुलर इंडिया मतलब साउथ इंडिया से अप टू बुंदेलखंड नॉर्थ में बुंदेलखंड एरिया आता है वहां तक ये फैली हुई है रेड सोइल तमिलनाडु से वहां तक और ईस्ट में राजमहल हिल्स है राजमहल की पहाड़ियों की जो हिल्स है वहां से लेकर कच्छ गुजरात में वेस्ट तक ये फैली हुई है मतलब तमिलनाडु से बुंदेलखंड टी टू बी और राजमहल हिल्स से कच्छ आर टू के इतनी ये फैली हुई है सच इज़ फाउंड राजस्थान में भी कई कई जगह पर ये मिलती है दिस सोइल इज रेड ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई रेडल इज रेड सोइल वाई रेड सोइल इज रेड सोइल क्यों रेड सोइल रेड है बिकॉज इसमें फेरिक ऑक्साइड का कंटेंट ज्यादा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड इसमें ज्यादा है ये फेरिक ऑक्साइड रेड सोइल को मतलब कोई भी और कलर होगा पर उसे रेड बनाती है फेरिक ऑक्साइड पर यदि आप ये ज्यादा है उसे यदि आप खोदते-खोदते डिगिंग करते हुए डाउन जाते हो तो नीचे आपको ये येलो फॉर्म में मिलेगी एज यू गो डाउन खोदते-खोदते यदि नीचे गए तो यू विल फाइंड इट एट एज़ येलो ठीक है फिर <coughs> लाइम ग्रेवल ग्रेवल मतलब कंकड़ छोटे छोटे फिर कार्बोनेट ये इस सोइल में नहीं है तो नहीं है तो क्यों देते हैं यार ये वैसे तो कई सारी चीज़ें नहीं है गोल्ड भी नहीं है इसमें सिल्वर भी नहीं है इसमें लाइम नहीं है ग्रेवल नहीं है कार्बोनेट नहीं है देर इज डेफिशियसी डेफिशियंसी मतलब कमी इसमें कौन कौन सी चीज़ों की कमी है इस तरह की सॉइल में इसकी कमियां क्या है पॉजिटिविटी बाद में देखेंगे कमियां क्या है क् इसमें लाइम नहीं है मैग्नीशियम नहीं है फोस्पेट नहीं है नाइट्रोजन नहीं है पोटास नहीं है इसकी कमी है इसमें क्रॉप्स लाइक मिलेट कॉटन व्हीट जुअर लेंसी ग्राउंड नट पोटेटो ये सारी चीजें आप इस सोइल में बखूबी ही उगा सकते हो बिना दिक्कत आए ठीक है फिर है, देखो रेड सॉइल 19% परसेंटेज है तमिलनाडु से लेकर बुंदेलखंड राजमहल हिल से लेकर कच्छ राजस्थान के पार्ट में भी है फिर एक ऑक्साइड की वजह से ये रेड है जैसे जैसे खोदते जाओगे डाउन येल्लो मिलेगी इसमें लाइम ग्रेवल कार्बोनेट मैग्नीशियम फॉस्फेट नाइट्रोजन सब की कमी है ये सारे क्रॉप्स ले सकते हो फिर है ब्लैक सॉइल काली मिट्टी देखो एल्यूविल फोर्टी थ्री परसेंटेज रेड सॉइल नाइनटीन परसेंटेज उसके बाद थर्ड रैंक आता है फिफ्टीन परसेंटेज ब्लैक सॉइल काली मिट्टी का इसके बाद किसी का परसेंटेज नहीं आएगा ये तीन ही याद रखना है एल्यूविल फोर्टी थ्री रेड सॉइल नाइनटीन ब्लैक सॉइल फिफ्टीन परसेंटेज टोटल एरिया में ये सोइल क्यों फॉर्म हुई किस तरह से फॉर्म हुई देखो रेड सोइल फॉर्म होने के पीछे उसका कलर रेड है इसीलिए इसके पीछे का जो रीजन है वो फेरिक ऑक्साइड यहाँ पे है ये काली जो मिट्टी है वो फॉर्म होने की वजह यहाँ पे ड्यू टू रीजन है स्प्रेडिंग ऑफ डेक्कन लावा डेक्कन जो साउथ इंडिया और मिडल इंडिया का जो पूरा एरिया है वहाँ जो लावा फटा उसकी जो एशिश बहुत सालों पहले की बात है तब मैं भी नहीं था आप भी नहीं थे तो ये उसकी जो एश जहां मिलेगी आपको क्योंकि महाराष्ट्र इज अ पार्ट ऑफ डेक्कन एरिया वेस्टर्न मध्य प्रदेश में मिलेगी आंध्र प्रदेश सर्टेन पार्ट्स ऑफ कर्नाटका हर जगह पे ये मिलती रहेगी गुजरात में कहां मिलेगी सूरत भरुच नर्मदा वडोदरा तापी डांग हर जगह पे ये मिलेगी लावा रॉक्स एंड क्लाइमेट देखो काली मिट्टी को काली मिट्टी कौन बनाता है तो दो चीजें हैं जो अपना बड़ा रोल प्ले करते हैं उसमें पहला है लावा के पत्थर और दूसरा क्लाइमेट ये दो बड़ा रोल प्ले करते हैं ब्लैक मिट्टी को फॉर्मेशन में उसके बाद सिक्स पॉइंट में देखो इसमें ज्यादा कंटेंट किसका है ये काली मिट्टी लोग खाते हैं मोस्टली जब छोटे होते हैं फिर पता चलता है तो नहीं खाते पर उसमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जो लोगों को खाने के लिए अट्रैक्ट करती है देखो आयरन है इसमें लाइम है कैल्शियम है इसमें पोटाश एल्यूमिनियम भी है मैग्नीशियम कार्बोनेट भी है तो कैल्शियम की कमी काली मिट्टी दूर करती है इसीलिए मैंने कई लोगों को देखा है ये मिट्टी खाते हुए सो इट इज कंसिडर टू बी क्वाइट फर्टाइल आपको पूछा जाएगा कि ब्लैक सोइल इज कंसिडर टू बी क्वाइट फर्टाइल ट्रू फॉल्स ट्रू है ये बहुत ही फर्टाइल सोइल है कैपेसिटी टू रिटेन मोर मॉस्चर ये खास बात है इस मिट्टी की पॉजिटिव पॉइंट बेस्ट पॉजिटिव पॉइंट है क्या कि इस मिट्टी में काली मिट्टी में मोइस्चर मोइस्चर मतलब नमी गिलापन, वो ज्यादा समय तक रिटेन कर पाते हैं रख सकते हैं अपने पास बारिश हो गई और फिर धूप निकल गई उसके बाद ये मिट्टी भी एकदम सूखी हो गई ऐसा खाली मिट्टी के साथ नहीं होता है काली मिट्टी उसमें जो बारिश का पानी जो है फिर वो गिला हो जाता है वो गिलापन को रिटेन कर रखती है अपने पास ज्यादा लंबे समय तक टिका सकती है दैट इज़ रिटेनिंग ये कैपेसिटी है ब्लैक के पास फिर वेन एवर दर ड्राइस जब पर यदि एक बार ये मोस्चर ये जो गिलापन ये जो नमी है एक बार सूख गई ना दे डेवलप फीजर्स फीजर्स मतलब क्या उसमें दरारें हो जाएंगी फिर यदि किसी के सिर पे मार दिया ना वो तो उसका सिर फोड़ देगी ये तो डेवलप फीजर्स फीजर्स क्या होती है देखो इस तरह की जो दरार हो जाती है ना सूखने के बाद वो फीजर्स है फिर है इसमें क्रॉप्स कैसे कैसे आप ले सकते हो तो लीन सीड कॉटन मस्टर्ड ग्राउंड नट टोबैको उड़द कुछ भी मनचाही चीजें उगा दो उग जाएगी एज इट इज मोर सुटेबल फॉर द कॉटन कॉटन सोइल कॉटन सोइल इसे कहा जाता है ब्लैक कॉटन सोइल क्यों इसका नाम ब्लैक कॉटन सॉइल रखा गया बिकॉज इसमें कॉटन सबसे ज्यादा उगाया जाता है कॉटन सबसे ज्यादा उगाया जाता है बिकॉज कॉटन के लिए ज्यादा सूटेबल है परफेक्ट है तो देखो इसके तीन नाम हो गए देखो ब्लैक का नाम एक तो रेगर है जो फिफ्टीन परसेंटेज फैली हुई है एक तो ब्लैक सोइल रेगर सोइल और ब्लैक कॉटन सोइल तीन नाम एक काम तीन नाम एक बाम तीन काम ब्लैक रेगर एंड ब्लैक कॉटन सोइल फिफ्टीन परसेंटेज है ब्लैक डेक्कन लावा फैलने की वजह से ये फॉर्मेट हुई है मतलब फॉर्मेशन इसका हुआ है एंटायर महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटका तक फैली हुई है गुजरात में सूरत भरूच नर्मदा वगैरह में है इंपॉर्टेंट रोल दो चीज का है इसके बनाने में एक लावा रॉक्स एक दूसरा क्लाइमेट फिर है ज़्यादा प्रमोश मतलब कंटेंट क्या है आयरन लाइम कैल्शियम पोटैश एल्यूमिनियम एकदम क्वाइट फर्टाइल है ये कैपेसिटी है इसके पास ज्यादा से ज्यादा गीलापन को रिटेन करने की पर यदि सूख गई तो फ्रीजर्स हो जाएंगे कॉटन सीड वगैरह आप उगा सकते हो इसका एक और नाम है ब्लैक कॉटन सोइल वाई क्योंकि कॉटन के लिए ज्यादा सूटेबल है उसके बाद एक सोइल है जिसका नाम है लेटरेट सोइल चार नंबर के सोइल है यह सोइल में उसका नाम जो लेटरेट है ये पूछा जाता है लेटरेट नाम कहाँ से आया तो लेटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका नाम है लेटर उस लेटर का मीनिंग लेटिन लैंग्वेज में होता है ब्रिक ब्रिक वर्ड ब्रिक जो मतलब है उसका ओरिजिनल नाम है लेटर जो लेटिन लैंग्वेज में उस लेटर से हुआ लेटरेट ये सोइल जो है उसमें आयन ऑक्साइड का कंटेंट ज्यादा है उसकी वजह से इसका कलर भी रेड हो चुका है रेड सोइल का कंटेंट फेरिक ऑक्साइड की वजह से रेड था इसका रेड कलर इसीलिए रेड है बिकॉज ऑक्साइड इसमें ज्यादा है आयन ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड दोनों सेम है कोई ज्यादा फर्क नहीं है नाम अलग अलग है तीसरा पॉइंट वेन दिस सोइल बिकम्स वेट ये सोइल की खास बात देख लो बच्चे जब ये गिली हो जाती है ये सोइल जब गिली हो गई बारिश आ गई तो ये इतनी स्मूथ हो जाएगी कि मक्खन की तरह बट्टर के की जैसी हो जाएगी और यदि यह सोइल एक बार सूख गई ना तो इतनी हार्ड हो जाएगी किसी के टक्के तोड़ देगी ये तो गिली हो गई तो बट्टर जैसी ड्राई हो गई हार्ड सख्त हो जाएगी ये फॉर्म किस वजह से होती है

जिसके तीन और पानी है उसे इंसुलर कहा जाता है साउथ इंडिया में ये सोइल ज्यादा डेवलप हुई है तो सोइल कंटेेंस इसमें सबसे ज्यादा कौन सी चीज है देख लो सबसे ज्यादा इसमें आयन है पोटाश है और एल्युमिनियम है दिस सोइल इज लेस फर्टाइल ये सोइल ज्यादा फर्टाइल नहीं है पर कॉटन पैडी रागी शुगर केन टी कॉफी कैशो सारी चीजें उगा सकते हो पर फर्टाइल नहीं है फिर भी इतनी सारी चीजें उगाने के पीछे की वजह क्या है कि आप उसमें फर्टिलाइजर यूज करो तो ये सारी चीजें उसमें आप आराम से उगा सकते हो ठीक है रेड सॉइल रेड सॉइल क्यों है वर्ड लेट्रेक, लेट्रेक सोयल, लेटिन वर्ड सॉरी लेटरेट लेटिन लेटर से बनी है इसका मतलब ब्रिक होता है इसमें आयन ऑक्साइड होता है इसलिए रेड होती है गिली हो गई बटर सूख गई हार्ड ड्राई मोस्ट क्लाइमेट और प्रिवेंशन ऑफ सिलिका बेस्ड मटेरियल की वजह से ये फॉर्म होती है सबसे ज्यादा पेनीसोयल पेट्रोल साउथ इंडिया में ये फैली हुई है आयन कोटस एल्यूमिनियम उसमें ज्यादा है फर्टाइल है नहीं है पर फर्टिलाइजर डालना हो डाल दो यदि आप तो ये कॉटन पेडी रागी वगैरह आप उगा सकते हो फिर डेजर्ट सोयल दिस टाइप ऑफ सोइल इज सीन इन द एरिया आपको डेजर्ट सोइल कहाँ मिलेगी जहाँ डेजर्ट होगा वहाँ मतलब एरिड एरिया या फिर सेमी एरिड एरिया मतलब सूखा एरिया या फिर मीडियम सूखा एरिया जहां धूप ज्यादा है या फर्टिलिटी नहीं होती है, होती है, पुरी की पुरी। इसमें होते है पर किस फॉर्म में होते हैं आपको ये पूछा जाएगा इन विच टाइप ऑफ सॉइल देर इज डिजोल्ड मिनरल्स डिजोल्ड मिनरल्स किसमें है तो डिजोल्व मिनरल्स डेजर्ट सॉइल में पाया जाता है राजस्थान हरियाणा साधन पंजाब वहाँ ये सॉइल मिलेगी आपको गुजरात में कहाँ मिलेगी कच्छ में और सौराष्ट्र के कुछ कुछ हिस्सों में इरिगेशन फैसिलिटी है यदि आप पानी वहाँ तक इस सॉइल जहाँ है वहाँ तक पहुँचा सकते हो कैनाल के थ्रू या कैसे भी करके तो इसमें मिलेट जुबार कल्टिवेट कर सकते हो उगा सकते हो और ये सॉइल ख़त्म ईजी है कहाँ है जहाँ एरिड और सेमी एरिड एरिया है इनफर्टाइल है, है। राजधाना सदन पंजाब में है गुजरात में कच्छ और सौराष्ट्र में है इरीगेशन फैसिलिटी है तो उगा सकते हो माउंटेन्स आ गई देखो माउंटेन्स ऑयल एकदम परफेक्ट माउंटेन्स ऑयल कहाँ है वैली एरिया में या फिर स्लोपी रीजन जहां पर स्लोप होता है हिमालय के ऐसे एरिया में आपको माउंटेन्स ऑयल मिलेगी पर कितनी ऊंचाइयों के ऊपर 2700 से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई के ऊपर आपको यह सोइल मिलेगी 2700 सो से 3000 इट्स लेयर इज वेरी थिन इसका लेयर एकदम पतला होता है और ये जो सोइल है वो है अंडर डेवलप्ड सोइल ये सोइल पूरी डेवलप नहीं हुई है अंडर डेवलप्ड है आपको ये भी पूछा जा सकता है ट्रू फॉल्स वगैरह में विच सोइल इज अंडर डेवलप्ड एंड हैज वेरी थिन लेयर तो ये माउंटेन सोइल की बात कर रहे हैं ज दिस सोइल इज फाउंड इन आसाम में मिलेगी दार्जिलिंग उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश कश्मीर के जो हिमालयन एरिया है वहां मिलेगी इन हिमालय में द दॉइल इज फाउंड एट द जनरल अल्टीट्यूड ऑफ द रीजन ऑफ पाइन एंड चीड ट्रीज पाइन के और चीट के जो ट्रीज है जिस ऊंचाइयों के ऊपर जिस अल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई जिस ऊंचाईयों के ऊपर जिस हाइट के ऊपर पाइन के ट्रीज मिलते हैं चीट के ट्रीज मिलते हैं उसी ऊंचाइयों के ऊपर यू विल फाइंड दिस माउंटेन सोइल स्लोपी रीजन वैली एरिया में 2700 से 3000 मीटर की ऊंचाई के ऊपर अंडर डेवलप्ड है पतली है ठीक है बात समझ में आ गई ठीक है अब फॉरेस्ट देखो, माउंटेन का एरिया कहां तक फैला हुआ था 2700 से लेकर 3000 तक फैला हुआ था जहां माउंटेन सोइल खत्म होती है वहां से फॉरेस्ट सोइल शुरू हो जाती है और तीन से तीन तक सौ मीटर की रेंज है वहाँ तक यह फैली हुई है फॉरेस्ट सॉरी ठीक है कहाँ इन केनी फॉरेस्ट ऑफ हिमालय केनी फॉरेस्ट मतलब आपको पता है केनीफेरेस्ट के ट्रीज़ जो होते जो क्रिसमस ट्रीज जैसे होते हैं एकदम ऐसे ताकि बर्फ ऊपर गिरे तो नीचे सीढ़ी ढल जाए ऐसे हिमालय के सहादरी के ईस्टर्न घाट्स के और तेराई रीजन के जो हिमालय के एरियाज है वहाँ इतनी ऊंचाईयों के ऊपर 3000 से 3100 मीटर की ऊंचाई के ऊपर आपको ये फॉरेस्ट मिलेगी द द सरफेस ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय द द शेडेड लीव्स ऑफ ट्रीज अर्थ की जो सरफेस है वहां पे मतलब इतनी बाईडों के ऊपर जो ट्रीज के लीव्स नीचे शेड होते हैं जो ऑटोमेटिकली ट्रीज से अलग हो जाते हैं और नीचे शेड हो जातेटर्ड हो जाते हैं है, एकदम फेल जाते हैं तो फेल जाने के बाद क्या होता है अपर पार्ट ऑफ द लैंड बिकम्स ब्लैक और क्यों क्योंकि ये पत्ते जब जड़ जाते हैं नीचे एकदम नीचे जमीन के ऊपर आ जाते हैं तो ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम या लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम समय के चलते वो पत्ते सारे के सारे डिके हो जाते हैं सड़ जाते हैं तो सड़ जाने की वजह से वो काले हो जाते हैं और मिट्टी के साथ मिलते हैं तो मिट्टी भी क्या हो जाती है काली हो जाती है द ह्यूमस कोज ड्यू टू द डिके लीव्स देखा ये जो पत्ते डिके हो जाते हैं सड़ जाते उसका ह्यूमस ह्यूमस मतलब एक तरह का नेचुरल फर्टिलाइजर बन जाता है उस मिट्टी के लिए फॉरेस्ट सोइल के लिए सो so, यहाँ पे लिखा है बाय द शेडेड लीव्स ये अर्थ की जो सरफेस है वो कवर्ड बाय शेडेड लीव्स से कवर हो जाती है ऑफ द ट्रीज ट्रीज के पत्ते जो झड़ते हैं उसकी वजह से इन द अपर पार्ट ऑफ द लैंड जमीन का जो ये फॉरेस्ट सोइल का जो ऊपरी हिस्सा है वो काला क्यों हो जाता है काला इसलिए हो जाता है बिकॉज उसमें जो ये पत्ते जो नीचे ट्रीज के पत्ते जो नीचे झड़ गए हैं वो ह्यूमस बन जाता है और मिट्टी के साथ मिल जाता है इसलिए अपर पार्ट को काला बना देता है इट चेंजेस इनटू ब्लू और रेड ये भी आपको पूछा जा सकता है ये जो मिट्टी है वो ब्लू होती है रेड बन जाती है कब ऊपर ऊपरी हिस्सा काला है पर जैसे-जैसे नीचे जैसे जैसे आप डिक कर तो जाओगे खोदते जाओगे तो ये रेड और ब्लू बन जाएगी ठीक है विद इन द लैंड इसमें आप टी कॉफ़ी स्पाइसिस अदर क्रॉप्स वीट मेज़ बार्ली वगैरह उगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है दी सॉइल इज फाउंड इन लिमिटेड एरिया ये सॉइल ज़्यादा है नहीं लिमिटेड क्वांटिटी में लिमिटेड एडिशन में ये होती है तो देख लो फॉरेस्ट सॉइल तीन हज़ार से तीन हज़ार एक सौ कैनीफ्रेस्ट फॉरेस्ट हिमालय सहदरी से लेकर तेरह रीजन ऑफ हिमालय में है शेडेड लीव्स इसमें होते हैं इससे इसकी जो सरफेस है वो कवर हो जाती है और ब्लैक इसलिए हो जाती है क्योंकि वो पत्ते एकदम आ, सूख जाते हैं और फिर सड़ जाते हैं उसकी वजह से वो फर्टिलाइजर बनाकर मिट्टी के साथ मिल जाते हैं इसलिए उसे काली बना देते हैं पर जैसे जैसे नीचे खोदते जाओगे ब्लू और रेड आपको मिलेगी और टी कॉफी वगैरह आप वहां पर प्लांट्स वगैरह उगा सकते हो लिमिटेड क्वांटिटी में लिमिटेड एरिया में ही है ये और लास्ट सोइल जिसका नाम है मार्शी और पिटी सोइल दिस टाइप ऑफ सोइल डेवलप्स इन ह्यूमिड रीजन ड्यू टू द दक्यूमुलेशन ऑफ बायोटिक एलिमेंट्स शन मतलब मिलावट मिक्सचर करना कई सारे बायोटिक एलिमेंट्स इसमें मिक्स हो जाते हैं इसीलिए ये डेवलप कहां होती है ज्यादा ह्यूमिड रीजन में जहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है वहां। During rainy season, जब बारिश बहुत होती है लैंड इज सबमर्ज अंडर वॉटर पूरी जमीन पानी के नीचे मर्ज हो जाती है पानी ही पानी पूरी जितने भी जमीन है ये मार्श और पीटी सोइल वहां पे पानी ही दिखेगा पर जैसे ही वोटर रिसीड हो जाता है पानी कम हो जाता है बारिश गई पानी भी धीरे 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 कम हो गया तो आप वहां पेडी तादाद में बड़ी तादाद में आप पेडी वहां पे उगा सकते हो पेडी मतलब राइस आप उगा सकते हो आपको कोई दिक्कत आनी नहीं है देर इज एन एक्सेस ऑफ बायोटिक एलिमेंट्स एंड मिनरल्स इन सच सॉइल बट इट शोज इनसफिशियंसि हम एक्सेस मतलब बहुत ज्यादा बायोटिक एलिमेंट्स इसमें मिनरल्स वगैरह बहुत है इसमें बायोटिक एलिमेंट्स और मिनरल्स बहुत तादाद में मिलेंगे आपको पर इसमें फोस्फेट और पोटास की इनसफिशिएंसी मतलब कमी है वो ज्यादा है नहीं सच सोइल इज फाउंड इन ओडिशा में मिलेगी आपको वेस्ट बंगाल कोस्टल तमिलनाडु सेंट्रल एरिया ऑफ नॉर्दर्न बिहार अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड ये भी लिमिटेड एक्सटेंट में है फोर सोइल भी लिमिटेड एक्सटेंट में है ये मार्सी और विल बी लिमिटेड एक्सटेंट में तो एक बार इसे भी देख लेते हैं कि ये डेवलप होती है ह्यूमिड में क्यों वहाँ पे बायोटिक एलिमेंट्स बहुत तादाद में होते हैं जैसे बहुत ही बारिश होने की वजह से ये पूरी जमीन अंडर वाटर हो जाती है सब हो जाती है पर बारिश चली जाने के बाद पेडी तादाद में उगा सकते हो आप ज्यादा बायोटिक एलिमेंट्स और मिनरल्स हैं पर फोस्फेट और पोटास की कमी है इसमें और लिमिटेड एक्सटेंट में और इतने सारे एरिया में ये फैली हुई है एक बात और है यहाँ पे जो सोइल आई थी लेटरेट सोइल ये लेटरेट सोइल जो है उसका एक दूसरा नाम भी है पड़खाऊ सोइल क्या नाम है पड़खाऊ सोइल ये एक्चुअली हमारी टेक्स्ट बुक में दिया गया है? नहीं है गुजरात मीडियम की टेक्स्ट बुक में दिया गया है इसलिए कई बार आपके जो क्वेश्चन पेपर आते हैं उसमें पड़खाउ सोइल का रेफरेंस मैंशन किया जाता है सो so, आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं विच सोइल इज नॉन एज पड़खाउ सोइल सो ये लेटरेट सोइल इज नॉन एज पड़खाउ सोइल वट इजर ऑफ लेटरेट सोइल ये याद रख लेना तो ये सोइल का जो पूरा मामला है एट टाइप्स ऑफ सोइल वो सब, सब हमने खत्म कर दिया वो अब यहाँ उसके बाद ये जो पार्ट है यहाँ है सोइल इरोजन इरोजन की बात है ये भी आपको पूछा जा सकता है कैसे डिफाइन करें वोइल इरोजन एक मार्क के लिए पूछा जा सकता है वट इज सोइल इरोजन इरोजन का मतलब क्या है आपको बताइए होगा या नहीं है तो मैं बता देता हूँ सोइल मतलब हमने पढ़ लिया है कि सोइल मतलब मिट्टी जो अपर तो लेयर ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ अर्थ का जो अपर लेयर है जिसमें वेजिटेबल मतलब वेजिटेबल कहाँ आ गया वेजिटेशन मतलब प्लांट्स जिसमें उगते हैं वो है सोइल अब इरोजन इरोजन की बात क्या है कि सोइल हवा पानी की वजह से एक जगह से दूसरी जगह बहते हुई जो मिट्टी का मतलब अर्थ की सरफेस का जो ऊपर का हिस्सा है बहते हुए कहीं और चला जाता है दैट इज कॉल्ड इरोजन देखो इरोजन मीन्स ये एक मार्क के लिए आ सकता है वन मार्क यू विल गेट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लैंड पार्टिकल्स जमीन के जो पार्टिकल्स है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है वन प्लस टू अनदर विद हेल्प ऑफ मूविंग एयर एंड वाटर तूफान आ जाए यदि या भी जो गिर में तावते आए थे ना उस तरह का या फिर कोई फ्लड आ जाए तो ये दोनों की वजह से दोनों की वजह से जो लैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं जिसमें ये कैपेसिटी होती है कि वो प्लांट्स को ग्रो कर सके वो लैंड के पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह हवा और पानी से जो चले जाते हैं उसे कहते हैं सोयल इरोजन दूसरे वर्ड्स में कहते दूसरी डेफिनेशन फास्टर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द लैंड ऑफ द सर्फेस लैंड टू अदर बाई नेचुरल फोर्सेज नेचुरल फोर्सेज की वजह से फास्ट मूविंग में एक जगह से दूसरी जगह लैंड के अपर पार्टिकल सरफेस के पार्टिकल्स चले जाते हैं दैट इज इरोजन मतलब यहां कैपेसिटी जमीन की ऐसी थी कि जिसमें वेजिटेशन ग्रो हो सकता है पर अब वो मिट्टी का ऊपरी हिस्सा वो कहीं और चला गया यहां अब वेजिटेशन ग्रो नहीं हो सकते हैं। है ये इरोजन वो जमीन बंजर हो जाएगी आज भी इंडिया में कई सारी ऐसी बंजर जमीन है जो एक समय पे उगाव जमीन हुआ करती थी वहां पे कुछ ना कुछ प्लांट्स वगैरह ग्रो करते थे पर आज नहीं है हो सकता है कि अभी जहां पे कुछ ना कुछ ग्रो हो रहा है इन फ्यूचर ना भी हो

द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है डाउन हो जाता है पर फिर वहां एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं रहता इट इज एक्सट्रीमली नेसेसरी टू मेंटेन दिस अपर अपर लेयर लेयर फॉर एग्रीकल्चर तो ये upper layer है जहां पे प्लांट्स वगैरह ग्रो कर सकते हैं तो जरूरी है कि उसे हम मेंटेन कर सके बनाए रखे ऊपरी को बहने ना दे एक जगह से दूसरी जगह इरोड ना होने दे दस या फिर सो सोइल इरोजन शुड बी प्रिवेंटेड उसे हमें रोकना ही इरोजन को कैसे भी करके रोकना चाहिए 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 फिर हैं, देखो ये इरोजन की बात है यहाँ पे एक समय पे ये जो जमीन है वहाँ हर जगह पे, जहाँ पे आप गड्ढे वगैरह देख सकते हो एक जगह एक एक जमाने में एक समय में यहाँ पे सब ग्रो प्लांट्स को ग्रो कर सके उस तरह की हरी हरी जमीन हुआ करती थी पर या तो फ्लडिंग की वजह से या फिर फास्ट मूविंग एयर विंड स्टोर में विंड की वजह से ये जमीन देखो बह गई बहना मतलब इरोड हो गई अब ये सवाल है कि मेजर्स टू प्रिवेंट सोइल इरोजन सोइल इरोजन को प्रिवेंट करने का रोकने के ये मेजरमेंट्स हैं कुछ स्टेप्स दिए गए रेमेडीज आपको पिछली टेक्स्ट बुक के पीछे जो एक्सरसाइज है ना वहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि रेमेडीज टू प्रिवेंट सोइल इरोजन तो रेमेडीज मेजरमेंट स्टेप्स सब एक ही होते हैं ठीक so, आप कहीं ढूंढने मत जाना कि मेजर्स टू मेजरमेंट्स ठीक है remedies मतलब steps, steps मतलब measurements, तो ये पांच मेजरमेंट्स हैं क्या कर सकते हैं देखो कंट्रोल द ग्रेजिंग एक्टिविटी ऑन द लैंड जमीन के ऊपर जो ग्रेजिंग होता है जो पालतू एनिमल्स या कोई भी एनिमल्स ग्रेजिंग करते घास जो वहां से चरते हैं तो ओवर ग्रेजिंग हो जाता है वो ज्यादा से ज्यादा वो घास चर लेते हैं खा लेते हैं तो जमीन जो है वो एकदम बंजर से हो जाती है फिर वो पार्टिकल्स को मूव करने में ईजी हो जाता है स्टॉम और रेन के लिए पानी के लिए तो उसे कंट्रोल करना चाहिए स्टॉप करने की बात नहीं पर उसे कंट्रोल करना चाहिए वो जमीन जहां पे वो एनिमल्स ग्रेजिंग करते हैं वो एकदम बंजर नहीं हो जानी चाहिए दूसरा है प्लांटेशन शुड बी कैरियड आउट इन काउंटर मेथड इन स्लोपी रीजन स्लोपी रीजन है जहां Чисlo. मतलब ऐसे इस तरह से माउंटेन से नीचे आता आता ऐसा स्लोप है ठीक है वो स्लोप पे यदि आप ट्रीज अलग अलग जैसे स्लोप थोड़ा सा नीचे आता है इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ ये ये स्लोप नीचे आता है तो यहाँ पे थोड़ी जमीन होती है फिर ऐसे स्लोप नीचे आता है यहाँ पे थोड़ी ज़मीन होती है यहाँ पे थोड़ी जमीन होती है ऐसे तो ये जो स्लोप्स है ठीक है वहाँ पे जहाँ जहाँ जमीन आती है जगह होती है वहाँ पे ट्रीज़ को उगाने चाहिए ताकि ऊपर से बहता हुआ पानी जो है वो इस जमीन को इस जमीन को इस जमीन को बहते हुए इरोड करके नीचे ना लेके जाए यदि वह बीच बीच में ट्रीज आ जाता है तो ट्रीज के जो रूट्स है वो जमीन को पकड़ के रखते हैं और बहने नहीं देते हैं तो ये दूसरा रास्ता हो गया तीसरा प्लांट ट्रीज इन फेलोलैंड फेलोलैंड मतलब बंजर जमीन जो है वहां पर मैक्सिमम ट्रीज उगा दो या

जिसमें पानी रोका जा सके अलग अलग डिस्टेंस में इस तरह से कंक्रीट सीमेंट के या फिर पत्थर के चेक डैम्स बना दो चेक डैम्स चेक चेक का मतलब है रोकना डैम्स जो पानी को रोकते हैं तो पानी को रोकने वाले इस तरह के डैम्स बनने चाहिए ताकि पानी की जो स्पीड होती है वेलोसिटी होती है वो कम हो जाती है और फ्लडिंग की सिचुएशन भी जो है वो कम हो जाती है तो अलग अलग डिस्टेंस पर इस तरह के चेक डैम्स बनाने चाहिए उसके बाद कल्टिवेट वेरी डीपली इन द फील्ड टू रिड्यूज़ द स्पीड ऑफ वाटर पानी की जो स्पीड है बहने की उसे रिड्यूस करने के लिए कल्टिवेट वेरी डीपली फील्ड में एकदम डीप कोई भी चीज़ को हमें कल्टिवेट करनी चाहिए ठीक है तो पानी की जो स्पीड है उसे हम रोक पाए ट्रीज़ के जो रूट्स है वो एकदम डिप में है तो पानी की स्पीड को वो रोक देंगे मिट्टी को जाने नहीं देंगे कहीं ठीक है तो इतने मेजरमेंट है पांच मेजरमेंट है सोइल इरोजन को रोकने के लिए प्रिवेंट मतलब रोकना अब है सोइल कंजर्वेशन इरोजन हमने देख लिया इरोड किस तरह से होती है वो देख लिया उसे कैसे रोका जा सकता है वो भी देख लिया अब है सोइल कंजर्वेशन सोइल कंजर्वेशन का मतलब होता है ये भी आपको एक मार्क के लिए पूछा जा सकता है डिफाइन करने के लिए सोइल कंजर्वेशन मीन्स टू प्रिवेंट द सोइल इरोजन एंड टू मेंटेन इट्स क्वालिटी मतलब सोइल इरोजन को रोकना सिर्फ उतना ही गोल नहीं है का. Soil को रोकना उतना ही गोल नहीं है सोइल पार्टिकल एट दिजिनल प्लेस देखो इसका मतलब यह हो गया कि इसका कनेक्शन सीधा उसके साथ है कि सोयल का जो मेन कंटेंट है सोइल के जो पार्टिकल्स है वो उसकी ओरिजिनल जगह पे रहने चाहिए दैट दैट मस्ट बी एट इट्स ओरिजिनल प्लेस वो ट्रांसपोर्ट होके कहीं और नहीं जाने चाहिए वो वहीं के वहीं रहना चाहिए दैट इज द मेन गोल दैट इज द मेन कनेक्शन सो कंजर्वेशन का मेन कनेक्शन यही है डिफरेंट रेमेडीज रेमेडीज मतलब स्टेप्स आर यूज एट डिफरेंट प्लेसिस अलग अलग जगह पर वर्ल्ड में जैसी जमीन वहां पर उस तरह के रेमेडीज उस तरह के स्टेप्स लिए जाते हैं उस तरह के मेजरमेंट लिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू लोकेशन एंड प्रॉब्लम इफ़ द सोइल इज नॉट कंजर्व यदि मिट्टी को हम कंजर्व नहीं कर पाए बचा नहीं पाए मेंटेन नहीं कर पाए तो क्या होगा देर आर चांसेस ऑफ फ्लड फ्लड के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे बाढ़ आने के चांसेज ज्यादा बढ़ जाएंगे विच एनस इज द रिस्क अगेंस्ट लाइफ एंड प्रॉपर्टी कई सारी बड़ी प्रॉपर्टीज मतलब गाँव के गाँव शहर के शहर तबाह हो जाएंगे और कई लोग अपनी चांद गवा देंगे यदि सोइल को हमने कंजर्व नहीं किया तो इसीलिए बहुत ही जरूरी है कंजर्वेशन करना देखो यहां पर कुछ स्टेप्स है आपके लिए देखो सरफेस रन ऑफ वाटर ये स्लोप है पूरा माउंटेन का यदि यहां से पानी बहता है तो ये ये जो स्पीड है पानी के बहने की फ्लोस फास्टर ओवर द स्लोप स्लोप के ऊपर पानी बहुत ही फास्ट बह जाता है अब देखो यहां है वाटर हार्वेस्टिंग इन द टेरेस स्लोप्स मतलब यहाँ पे बीच बीच में टेरेस बना दी गई है मतलब इस तरह के स्लॉप्स में बीच बीच में जगह बना दी गई है मोस्ट ऑफ द वाटर इज स्टोर पानी बह के यहाँ स्टोर हो जाता है पानी बह के यहाँ स्टोर हो जाता है बह के यहाँ स्टोर हो जाता है फिर जितना पानी बचता है वो नीचे आता है मतलब पानी की जो स्पीड है वो बहुत ही कम हो जाती है फिर यहाँ वोटर फास्ट फ्लो परकुलेट्स लेस इन सोइल मतलब जो फास्ट पानी बेह के नीचे चला जाता है वो पानी यहां जो मिट्टी है सोइल है उसमें कम जाता है वो सीधा बेह के नीचे ही चला जाता है सीधा यदि जाता है तो बीच में रुकता नहीं है तो पानी मिट्टी में अंदर कम जाएगा यदि इस तरह से खड्डे बनाए गए इस तरह से पानी को रोक दिया इस तरह से स्टेप लेके पानी को रोक दिया तो वो ज्यादा से ज्यादा पानी मिट्टी के अंदर जाएगा और उसकी स्पीड बहने की भी कम हो जाएगी और उसके साथ मिट्टी को भी वो बहा के लेके जा सकेगा नहीं ठीक है ये मेथड्स ऑफ सोइल कंजर्वेशन अब रेमेडीज ऑफ सोइल कंजर्वेशन देखो सोइल इरोजन की रेमेडीज हमने देख ली यह सोयल कंजर्वेशन की रेमेडीज हमें देखनी है कैसे द रूट्स ऑफ द ट्रीज इन फॉरेस्ट कवर होल्ड अप सोल पार्टिकल्स फॉरेस्ट जहां जहां है वहां पे ट्रीज जो है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज वो ट्रीज उसके रूट्स के थ्रू सोल के पार्टिकल्स को खींच के पकड़ के रखते है उसे बहने नहीं देते दैट्स वाई इट इज वेरी मच नेसेसिटी टू ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज इन फॉरेस्ट एरिया इन हिमालयन एरिया जहां पे नदियां बहती है उसके आसपास भी बहुत तादाद में ट्रीज होने चाहिए प्लांट ट्रीज इन रिवर गोर्जिस माउंटेन स्लोप्स माउंटेन के स्लोप जहाँ से पानी बह के हुए नीचे आता है उसके आसपास भी ट्रीज उगाने चाहिए ग्रो करने चाहिए और रिवर गोर्जिस मतलब रिवर के दोनों साइड जहाँ तक रिवर जाती है तादाद में ट्रीज होने चाहिए अ सीरीज ऑफ ट्रीज शूड बी ग्रो देखो नियर अफ डेजर्ट रीजन टू प्रिवेंट दिन वेलोसिटी यहाँ से डेजर्ट ये डेजर्ट है पूरा यहां से फर्टाइल मिट्टी आ जाती है तो ये जो उसकी जो कंट्रोल लाइन है एल ओ सी लाइन ऑफ कंट्रोल है डेजर्ट और फर्टाइल को जो अलग करती है वहां पे ट्रीज सबसे ज्यादा होने चाहिए उससे दो फायदा होगा पहला प्रिवेंट द विंड्स दिथ मोर वेलोसिटी दूसरा एक तो डेजर्ट एरिया ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा बिकॉज वहां पे ट्रीज है बीच में दूसरा जो विंड की वेलोसिटी डेजर्ट एरिया से फर्टाइल लैंड uh, की ओर ज्यादा होती है स्पीड होती है वो बीच में यदि ट्रीज की पूरी लंबी लाइन है तो वो उसे रोक देगी दैट्स वहां सबसे ज्यादा सीरीज ऑफ ट्रीज मतलब पूरी लंबी लाइन ट्रीज की होनी चाहिए डेजर्ट एरिया के आसपास ताकि उसे बढ़ाए नहीं और विंड की स्पीड को घटा दे इट विल स्टॉप द एडवांसिंग डेजर्ट आए ना डेजर्ट को भी एडवांस मतलब आगे बढ़ने से रोकता है ये ट्रीज की लाइन ये रेमेडीज ऑफ सोइल कंजर्वेशन उसमें फिफ्थ रिवर फ्लड्स शुड बी कंट्रोल by डाइवर्टिंग देयर फ्लो देखो यहाँ से एक रिवर है मान लो ये बड़ी रिवर से आ रही है ठीक पर यदि कोई मॉनसून सीजन में या फिर हिमालय के जो बर्फ पिघलते हैं खास करके समर सीजन में तब उसके हिमालय के कई सारे रिवर्स में बाढ़ आ जाती है फ्लड आ जाता है तो यदि वो रिवर एक ही बैठे तो उसमें फ्लड आने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है तो क्या करना चाहिए कि उसे डाइवर्ट कर देना चाहिए दूसरे रिवर बेड्स में मतलब दूसरे कोई छोटी रिवर है उसमें कम पानी है या फिर ऐसा रिवर बेड जो आ, समर सीजन वगैरह सीजन में वो रिवर बेड खाली हो जाता है मतलब उसमें पानी नहीं होता है तो ये मेन रिवर को यदि इस तरह से डाइवर्ट कर दिया जाए अदर रिवर्स में या फिर ड्राई रिवर बेड्स में तो फ्लड को हम कंट्रोल कर सकते हैं जैसे अहमदाबाद में साबरमती रिवर जो है वो मोस्टली खाली रहती है खास करके समर और विंटर सीजन में तो नर्मदा का जो फ्लो है वो साबरमती में डाइवर्ट हो गया है तो नर्मदा रिवर को भी उतना आ, मतलब ज्यादा बर्डन नहीं होगा फिर है द अनरिस्ट्रिक्टेड पेस्टरिंग लूजनस द सोइल लेयर अनरिस्ट्रिक्टेड पेस्टरिंग अनरिस्ट पेस्टरिंग का मतलब है चरना जो पालतू तो एनिमल्स वगैरह जो चरते हैं अनरिस्ट्रिक्टेडली इतना चरते हैं कि ऊपर का जो जमीन का लेयर जो होता है जिसमें वेजिटेशन वगैरह ग्रो होते हैं उसे तबाह कर देते हैं तो उससे सॉइल लेयर जो होता है ऑन द माउंटेन्स वो एकदम लूज हो जाता है तबाह हो जाता है खराब हो जाता है सो so, ये बंद हो जाना चाहिए रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर होना चाहिए उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए जब तक अच्छा घास नया नहीं आ जाता है तब तक वहाँ पे कोई जो ये क्या बोलते हैं पेस्टरिंग की जो फैसिलिटीज है वो तो नहीं देने चाहिए उन लोगों को परमिशन ही नहीं देनी चाहिए फैसिलिटी क्या परमिशन नहीं होनी चाहिए उसके पास फिर मेथड्स लाइक like, किस तरह के मेथड्स लाइक हो कल्टीवेशन कल्टिवेशन होरिजोनटल कल्टिवेशन होना चाहिए टेरेस फार्मिंग होना चाहिए ये दोनों मेथड्स uh, जो है वो इंप्लीमेंट होनी चाहिए अभी दिखाता हूँ ज लोस्ट इज फर्टिलिटी जिस मिट्टी में फर्टिलिटी कम हो गई या फिर खाली हो गई उसे ह्यूमस मतलब फर्टिलाइजर डालने चाहिए नेचुरल ताकि उसकी फर्टिलिटी फिर से बने और वहां हम कुछ ना कुछ उगा सकें यह देखो यहां है ओरिजिनटल फार्मिंग ये ओरिजिनटल फार्मिंग ये है, है सॉरी एंड दूसरा आया था टेरिस फार्मिंग ये टेरिस फार्मिंग है ये जिस तरह के माउंटेन के स्लोप होते हैं बीच बीच में इस तरह की टेरेस बना के उसमें फार्मिंग किया जाता है ये हो फार्मिंग इस तरह का ताकि पानी सीधा बह के चला ना जाए और मिट्टी को खींच ले के लेके ना जाए सो दिस टू मेथड्स आर इंप्लीमेंटेड होनी ही चाहिए और बाय इंप्लीमेंटिंग दिस रेमेडीज इस स्टेप्स को यदि हम इंप्लीमेंट करते हैं तो सोइल कंजर्व हो सकती है द कंजर्वेशन ऑफ सोइल इज स्ट्रॉन्ग आज बहुत ही जरूरी बहुत ही बड़ा मुद्दा बन गया आपका क्या कहना ही है? बहुत ही बड़ा मुद्दा है आज का जिसके बारे में हम बात करेंगे आज के इस शो में कि सोइल का कंजर्वेशन करना कितना जरूरी है हमारे साथ जुड़े हुए हैं कई सारे कंट्रीज के अलग अलग, अलग लोग <laughs> तो बहुत ही मुद्दा है आज का गवर्नमेंट सोसाइटी एंड द पीपल तीनों को साथ में मिलकर यह काम करना चाहिए सिर्फ गवर्नमेंट यह नहीं कर सकती सिर्फ सोसाइटी सिर्फ पीपल नहीं वी हैव टू कम टूगेदर टू डू दैट और इसके साथ ही चैप्टर भी यहां खत्म हो गया सो नेचुरल रिसोर्सेज को हमने ख़त्म कर दिया बड़े मज़े से कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं कहाँ से आ सकते हैं और एक एक मार्क के किस किस तरह के डिफाइन करने के लिए सवाल आ सकते हैं वो सारे मैंने यहाँ आपके सामने रख दिए आपको समझा दिए सो आई होप यू वुड अंडरस्टैंड इट वेरी वेल अब नेक्स्ट चैप्टर में नए वीडियो में फिर से मिलेंगे नए नए सवाल के साथ कि किस तरह से जीएसई पूछता है और कई सारे पेपर सोल्यूशन भी हम करेंगे थे सो so, और मेरी बैच मेरे uh, मेरी एप्लीकेशन में उसमें इंग्लिश और एस का पूरा कोर्स मस्त भरा पड़ा है सो so, आप चाह के वहाँ देख सकते हैं उसे खरीद भी सकते हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं टेक अ लुक टेक अ स्वीट लुक जय हिंद जय भारत जय जी गर्व आ चेनल में आटली बड़ी लाइक करो नीचे कमेंट करजो बदा साथ शेर भी करजो बेल में टीन टीन वगाड़ी दजो